हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जुलाई, और ये जुलाई का साइंस एंड टेक का अपना पहला वीडियो है। तो मोस्टली प्रोबली इस बार हम और भी सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे इस मंथ। मे बी हम लोग ऐसे चल सकते हैं कि सबसे पहले साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, फिर इन्वायरमेंट, फिर IR, फिर इस बार हम लोग इकोनॉमी और भी कुछ एक दो जो सब्जेक्ट्स थे वो भी हम लोग इस मंथ कवर करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो साइंस एंड टेक को हम लोग देखेंगे इस बार। तो सबसे पहले थोड़ा साइंस एंड टेक का सिलेबस पे ध्यान देते हैं। सिलेबस में क्या है? तो सिलेबस में कुछ खास ज़्यादा बातें हैं नहीं, जैसे साइंस एंड टेक डेवलपमेंट एंड एवरीडे एप्लीकेशन एंड इफेक्ट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो डेली कुछ भी मतलब एप्लीकेशंस बन रहे हैं या फिर कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक में, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखें। थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सिलेबस में सॉरी कुछ फील्ड्स के बारे में स्पेशली इन्होंने मेंशन किया, जैसे स्पेस। तो अभी स्पेस के बारे में आपको बराबर नॉलेज रहना चाहिए। जैसे चंद्रयान 3 गया है, अभी वो सॉफ्ट लैंडिंग उसका हुआ है, तो आपको इसके बारे में बराबर रखना है। कंप्यूटर्स, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के कंप्यूटर होते हैं, कौन सी जात का कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है। रोबोटिक्स के बारे में, नैनो टेक के बारे में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बायोटेक के बारे में पता होना चाहिए आपको बराबर, और IPR इशू, इन सब टॉपिक्स पे आपको मतलब बराबर नॉलेज हो, और इन पे थोड़ा थोड़ा माल होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए। अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, वो जो भी साइंटिस्ट हैं उनका पर्टिकुलर अचीवमेंट क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इंडिजीनियस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी बन रही हैं उनके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है ना। जैसे 3D प्रिंटिंग है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ट्रेंड में क्या है? ट्रेंड में आप देखोगे ना, तो जो ये मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे, ये 5-6 टॉपिक है ना, इनमें से हर साल एक या दो टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। देखो 25 25 35, 2019 में नहीं आया लेकिन 15, हर बार एक या दो क्वेश्चन आएगा, तो ये टॉपिक आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। इधर से रिपीट होता है, अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक, ठीक है। तो इधर देखोगे तो इधर भी एक आध क्वेश्चन निकलता है, तो मेनली आप ये वाला एरिया अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि और तो उसमें करेंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन ये वाला एरिया आपको पता रहना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रक्चर होते हैं। करना क्या, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? वैसे हम लोग अभी आगे थीम देखेंगे, तो थीम पे आप ज़्यादा फोकस दो कंपेयर देन सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है तो उससे थीम पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब की आपको पढ़ना क्या है, तो इधर आप लिखा हुआ है मैंने क्या क्या पढ़ सकते हो। 9th से 12th तक का जो भी आपका साइंस है, उसमें 9th 10th तक का कम्प्लीट साइंस, और 12th की कुछ बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर 13 14 मैंने मैंसन किया है, ठीक है ना। बाकी जैसे DNA RNA क्या है, तो उसके बारे में कुछ पता रहना चाहिए। अभी कितना पढ़ना है, तो वो मैंने लिखा हुआ है, नो नीड टू डू PhD। PhD नहीं करने का इधर, इधर अपन अपन क्या करने आए, केवल बस पास होने हैं, और कैसे भी करके मार्क्स को इंक्रीज करने का है, ठीक है ना, PT में भी और मेंस में भी। तो इधर अपन बैठ के वो पूरे दिन जगराता की टाइप से एक ही किताब को नहीं पढ़ने का, ठीक है ना। तो इसका पहला थीम है जो सबसे मेन है, थीम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ना इतना इम्पोर्टेंट थीम है कि एवरी ईयर मतलब 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है हर साल, ऐसा मान के चलो तुम, हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन फंसता है इधर से। देखो मेंस में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन PT में आएगा एक या दो क्वेश्चन, PT में नहीं आया तो मेंस में आएगा एक दो क्वेश्चन, मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चन आना है कैसे भी कैसे करके। तो बायोटेक्नोलॉजी आपका बराबर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे देखो 2013 में इन्होंने पूछा था ना डोज ड्रग कॉम्बिनेशन, जो लास्ट मंथ हमने कवर किया है, जून की करंट अफेयर्स में था ये। स्टेम सेल थेरेपी क्या है, ठीक है ना, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट, जो मेडिकल साइंस है उसमें बायोफार्मा या फिर और भी अलग जगह पूछे गए थे। 2021 में इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी पे पूछा गया था कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा ना कि ये इंपॉर्टेंट है PT और मेंस दोनों के लिए। मेडिकल डिसीज एंड क्योर, क्या दवाइयाँ हैं और क्या उनका क्योर है, ठीक है ना, सॉरी डिसीज हैं और क्या डिसीज का क्योर है, ये बार सारी बातें आपको बार बार पता होना चाहिए। ये देखो PT में भी अच्छे से आता है, डिसीज पूछ लेता है मोस्टली। PT में जो पूछता है डिसीज, वो उसका ऐसे पूछता है कॉज क्या है या फिर किस एरिया में फैला है, जैसे उन्होंने इवोला पूछा हुआ है, और भी कई सारी डिसीज पूछी हुई है, जैसे कोविड था तो कोविड के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन निकले हुए हैं, ठीक है ना। 2022 में क्वेश्चन था क्योंकि वो कोविड का चक्कर चल रहा था। 2020 में भी क्वेश्चन था क्योंकि वो कोविड का चक्कर चल रहा था, ठीक है ना। 2022 में भी देखोगे तब भी वैक्सीन को लेके क्वेश्चन था, क्योंकि वो कोविड का सब सीन चल रहा है, तो कोविड अपन का अभी इधर माता पिता है, ठीक है ना, तो उस पर क्वेश्चन पूछना ही था। अभी कोविड ठंडा है तो अभी क्वेश्चन आने की आशंका कम है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है ये, 2014 में क्वेश्चन आया था ड्रग रेसिस्टेंट डिसीज पे, जो शायद इस बार शॉर्ट्स में दिया हुआ है एक आर्टिकल, लेकिन मैंने ये पूरा अच्छे से कवर करवाया हुआ है शायद मे की मैगजीन में। आप लोग मे की मैगजीन में जाके ना इसे पूरा कवर कर सकती है, मेंस का भी आंसर लिखवाया हुआ है मैंने और पीटी के भी सारे कवर कराए हुए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है ट्रेडिशन नॉलेज मेडिसिन पे, 2019 में पूछा गया था। मतलब देखोगे आप इधर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना वो मैं आपको सिखाऊंगा, कि जैसे हर एक आर्टिकल जो आता रहता है ना आपके मैगजीन में, वो तो हर एक आर्टिकल पे क्वेश्चंस नहीं बन सकते। कौन से आर्टिकल होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना, और किस टाइप से उनके ऐसे नोट्स या पॉइंट फर्दर पॉइंट प्रिपेयर करने जो आंसर लिख सकें, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। जैसे आप 3-4 महीने की मैगजीन पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, क्योंकि मैं जैसे मैं बी फॉरवर्ड चैलेंजेस आपको सब सिखाने लगा, फॉर्डर पॉइंट सिखाने लगा कि कैसे कहाँ पे इसको यूज करना है, ऐसे धीरे धीरे सीख जाओगे। नेक्स्ट है स्पीस, काफ़ी इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो, आपको थीम है स्पीस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मेनली आप देखोगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है स्पीस। इस बात तो आपको पता ही होगा, 2023 में स्पेस मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा चंद्रयान 3 गया है, यद्यपि पर उन्होंने अभी तक छाप लिया होगा ना, तो 2024 के लिए रेडी हो जाओ, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, कहीं ना कहीं वो रख देंगे कि क्या मजा आया अपन को। और वो क्या कहते हैं चंद्रयान 3 को लेके, देखा होगा आपने कि चंद्रयान 3 को लेके ना हर एक टुच्चा और फिर वो जो भी जितना भी अच्छा आदमी है उसने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के रखा है कि अपन एकदम अवेयर है अपने स्पेस के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नासा को हम मुबारकबाद देते हैं क्या गजब का चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, दे डोंट नो कि किसने लॉन्च किया है। मतलब लोगों को मजा आ रहा है बस कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन बस थोड़ी सी बेसिक बातों पे उन्हें जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी स्पेस में क्या देखने का है, तो स्टैंडर्ड पोजिशन सिस्टम था इस पे, प्रोटेक्शन पोजिशनिंग सिस्टम इस पे, अचीवमेंट ऑफ फील्ड ऑफ स्पेस, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे अचीवमेंट अपने इसरो ने कर रखे हैं, हम अभी भी देख रहे हो तुम, काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। चंद्रयान एंड मार्स ऑर्बिटर, देखो चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर पे ना पहले ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, चंद्रयान जो अपना सेकेंड था उसके ऊपर, तो आपको ये बराबर चीज़ें सब कुछ पता रखनी चाहिए कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। तो देख सकते हो, इंडिया हैज अचीव रिमार्कबल सक्सेस इन अनमैन्ड स्पेस मिशन इंक्लूडिंग द चंद्रयान एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन, बट हैव नॉट वेंचर्ड इन टू मैंड स्पेस मिशन बोथ इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक एक्सप्लेन क्रिटिकली एग्जाम, ठीक है ना, सॉरी एक्सप्लेन क्रिटिकली है एग्जाम नहीं है। तो इधर क्या पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है कि अपन का इंडिया है ना वो अनमैन्ड स्पेस मिशंस में तो काफ़ी अच्छे से मतलब अचीवमेंट ले चुका है, और लेकिन जो मैन वाले मिशंस रहते हैं ना मैन्ड स्पेस मिशन, उनमें अपन इतना अच्छा सा टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है, जब भी आप पहला पार्ट दोगे ना तो इसमें तारीफ में लिखो कि अपन कैसे चंद्रयान का कहते हैं चंद्रयान 3 का भी सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है, उस टाइम पे चंद्रयान 3 नहीं था, चंद्रयान 2 के बारे में बराबर लिख सकते थे, क्योंकि चंद्रयान 2 भी साउथ पोल पे हमने लैंड किया था। उसके बाद में उसकी खूब तारीफें करो और बताओ क्या क्या फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं। इधर ये पूछ रहा है कि अपने जो मैन मेड स्पेस मिशन हैं ये काई को नहीं अच्छे से वर्क करा, तो इधर अपन क्या कर सकता है, इधर क्या है दिक्कत क्या आ रही है, लॉजिस्टिक में दिक्कत आ रही है उस पर बात करो, टेक्नोलॉजी पे बात करो, अपन ट्रेंड नहीं कर पाते हैं, लोगों को बाहर से ट्रेंड करवाते हैं, ठीक है ना, अपन के पास माल भी बहुत कम है, तो माल फूकता है ऐसे बड़े काम करने में, तो थोड़ा सा माल का अपन क्या किल्लत चल रहा है, तो माल इकट्ठा होगा तो अपन बेचेगा, ठीक है ना। अभी तुम देख रहे होगे कि अपने यहाँ जो मान के चलो जो चंद्रयान 3 है उसका शायद एस्टिमेट कॉस्ट मे बी प्रॉबरली 600 करोड़ के अराउंड है, और फिर वो उधर देखोगे आप MI-7 आया था उसका एस्टिमेट शायद 2400 करोड़ या फिर शायद 2400 ही करोड़ था कुछ ऐसा। तो ये देख रहे हो आप हमारा जितने में वो बन रहा है मिशन चंद्रयान, उससे 1/4 सॉरी जितने का मूवी है ना उसका 1/4 के अराउंड तो अपने मिशन में पैसा खर्च हुआ है, तो अपन के पास पैसे का दिक्कत है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो इसे अच्छे से। तो व्हाट इज द इंडियाज प्लान हैव टू इट्स ऑन स्पेस स्टेशन, अभी हमने लास्ट मंथ ही पढ़ा था कि नासा ने अपन के पास मतलब कसम औंध लिया है, या फिर ऐसे कह सकते हो अपने से वादा किया है कि अपन उसका हेल्प करेगा उधर जाके स्पेस स्टेशन बनाने में, ये लास्ट ईयर ही पूछा था जेम्स वेब स्पेस स्टेशन जब मैंने लिखा था, ये 2018 में पूछा है रीजनल नेविगेशन IRNS इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, जूनो मिशन नासा इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग ये रिपीट पे पढ़ेंगे ना हर मंथ, तो इसके बाद क्या होगा, ये मैं क्यों बार बार करवा रहा हूँ, आपको ये सारे क्वेश्चन रट जाएंगे और धीरे धीरे आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी, और आपको हर एक टॉपर ने कहते हुए सुना होगा कि PYQ इज़ द बेस्ट थिंग, PYQ ही हैं जो हमें
मेंस या पीटी सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग दिसंबर या जनवरी में घुसेंगे, उसके बाद में पीटी के पीवाईक्यू तो मैं यहाँ पे पीटी मेंस दोनों के ही कराता हूँ। पीटी का सिलेबस विथ थीम्स, जैसे अभी हमने मेंस के थीम्स के हिसाब से देख रहे हैं ना, फिर पीटी के थीम्स में सर डिस्कस करने लग जाऊँगा, मेंस के रोक दूंगा। ओके, तो डिफेंस में देखोगे तो डिफेंस में अब तक एक ही क्वेश्चन आया, S-400 AI डिफेंस सिस्टम को लेके, नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोट्स। तो नैनो टेक्नोलॉजी पे भी आपको देख रहे हो, पहला एक 2016 में पूछा गया था, रोबोट्स के बारे में 2015 में पूछा गया, फिर 2020 में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया। पूछते गए हैं व्हाट डू अंडरस्टूड बाई नैनो टेक्नोलॉजी, क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी, इतना जानना चाहते हैं क्या है ये, ठीक है ना। वो नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सचिन की नहीं, ठीक है। एंड हाउ इट हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर, और ये हेल्थ सेक्टर में कैसे फ़ायदा दे रहा है, तो आपको हेल्थ सेक्टर में क्या इधर कैसे घी दूध की नदियां बहा देता है और ये क्या क्या मौज दे रहा है, तो वो सब आपको मेंशन करना है। तो बहुत ईजी है, आप इंट्रो में टेक्नोलॉजी को मेंशन कर दो, ठीक है ना। फिर इसके 10 मार्क्स का ही है ना, तो इसमें क्या करें, इसको कैसे हेल्थ सेक्टर में ये प्रॉफिट करेगा, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे देख लो, ठीक है ना। फिर आपको हिसाब से देखो कि हाँ हमें क्या क्या फ़ायदा कर सकता है, पेशेंट को किस हिसाब से फ़ायदा कर सकता है, डॉक्टर्स को भी फ़ायदा कर सकता है। जैसे कोविड था ना, उस टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी का डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे से फ़ायदा था, तो आप इस पर कई सारे फायदे लिख सकते हो। इससे पहले क्या था, ये पूछ रहा था कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, वही इसका डेफिनेशन लिखने का है, ये की टेक्नोलॉजी है 21 सेंचुरी में, इसके फीचर्स भाई अच्छे अच्छे गुणगान करो कि काई को ये इतना अच्छा लगता है, इधर अपन का मतलब क्या क्या काम में आ सकता है ये, ठीक है ना। तो उसके बाद में एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कंट्री, अपने कंट्री के डेवलपमेंट में ये कैसे कैसे काम आएगा। फिर वही आप हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रा में, या फिर अलग क्या कहते हैं आर्मी के लिए कहाँ यूज हो सकता है, और भी अलग अलग सेक्टर, मान के चलो एग्रीकल्चर में कहाँ यूज हो सकता है, सर्विस सेक्टर में कहाँ यूज हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहाँ यूज हो सकता है, ये कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना, तो कई सारे सेक्टर बहुत ब्रॉड हो गया ना, कई सारे सेक्टर्स में हो जाएगा। इधर एक स्पेसिफिक सेक्टर पूछ रहा था हेल्थ, तो ऐसे ही आप हर एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। IPR, अभी ये भी अच्छा थीम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आजकल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो मान के चलोगे आप जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं उनके, फिर वो वीडियो लेक्चर्स आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाते हैं, तो वो उनके IPR कैसे निलंबित हो रहे हैं और फिर कैसे उनको दुख हो रहा है, वो सब दिक्कत आप इधर देख सकते हो, ठीक है ना। तो IPR में देखोगे ना आप, 2013 में क्वेश्चन आया था, 2014 में क्वेश्चन आया था, 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो उस पर आपको थोड़ा सा बराबर पता रहना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, ज़्यादा ज़्यादातर क्वेश्चन जो IPR में आते हैं ना, वो करेंट से रिलेटेड ही आते हैं, इसमें कोई ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछा है इन्होंने, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में पूछे हैं। तो इधर जब भी कुछ न्यूज़ में रहा होगा बड़ा, जैसे मान के चलोगे ना ये फर्स्ट वाला है ना, इसमें जो था इंडियन पेटेंट लॉ 1970, उसके ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ठीक है ना, तो उस तब क्वेश्चन पूछा गया था। ये कॉपीराइट्स के ऊपर कोई सिंपल सा क्वेश्चन था, मोस्टली ये स्टैटिक मान सकते हो आप। ये जो ट्रेडिंग नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत न्यूज़ में था, सही जब भी 2014 या 15 में जब पूछा गया था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया, क्योंकि इधर आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उसी टाइम की न्यूज़ से रिलेटेड है। साइंटिफिक एंड देयर इन्वेंशन, अभी कौन से साइंटिस्ट हैं इधर और उन्होंने क्या क्या बना के दिखाया अपन के लिए, तो अपन इधर देखेगा सब कुछ। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिक, ठीक है ना, और सत्येंद्र जो नाथ बोस सर थे, उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पूछा है। क्या ना देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये किसी से नहीं बनते, ठीक है ना। उस टाइम पे ये बाउंसर होते हैं, ये आपको हैंडल करने हैं। अभी आप हैंडल कैसे कर सकते हो ना, इसके लिए ना थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी नॉलेज ही नहीं होगा बिल्कुल भी, तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। अभी थोड़ा सा आपको आइंस्टीन, जो बोस आइंस्टीन जो भी स्टैटिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आप अच्छे से थोड़ा बहुत चार छः बातों को मतलब बोल बच्चन करके लिख सकते हो। अभी देखो ये ब्लू LED के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी पता होगा, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में, पर पता नहीं मैं थोड़ा सा ऐसा बोल बच्चन करके लिख के आया, शायद इसलिए उन्होंने मेरे को मार्क्स नहीं दिए 21 बार। तो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, तो व्हाट डू अंडरस्टैंड, अभी जैसे एम्पायर के डिसीजन पे रिव्यू, वो आपने देखा होगा ना, वो एक थर्ड एम्पायर रहता है उधर बैठा रहता है, आगे आगे पीछे पीछे कहता रहता है, ठीक है ना। तो वो आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने 2013 में ही क्वेश्चन पूछा था, शायद में भी ये 2012-13 में कुछ अच्छे से टेक्नोलॉजी विकसित हुई होगी, आया था डेवलपमेंट हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन बनाया कि वो कैसे बैट का टेक्नोलॉजी था। थर्ड एम्पायर तो पहले भी होता था, लेकिन तुमने देखा होगा ना कि जैसे मान के चलो ये कोई प्लेयर खेल रहा है, ठीक है ना, ये इसके हाथ में बल्ला है, तो वो नीचे दिखाता है कि पीछे 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 देखो टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बल्ले से टच हो रहा है, तो ऐसे ऐसे यहाँ लाइनें बढ़ रही होती है ना, तो
और टच हो रहा होगा तो लाइन ज़्यादा बन जाती है, और टच नहीं हो रहा था वो स्ट्रेट हो जाती है। तो वही ये टेक्नोलॉजी पूछ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अंदर घुस के पूछ लिया। आप क्रिकेट फैन है तो आपने सिर्फ देखा होगा, उधर जाके पढ़ा नहीं होगा। FRP कंपोजिट मटेरियल के ऊपर पूछा था, 3D प्रिंटिंग। हाँ देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन ईजी था मे बी उन दोनों के कंपेयर, क्योंकि 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये तो आप पढ़ सकते हो और ये कई सारी जगह मेंशंस थी, तो इजीली हमने पढ़ा था। न्यूक्लियर एनर्जी एंड ट्रेटी, न्यूक्लियर एनर्जी पे एक ही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं शायद। ये देखो, फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर। अभी मैंने शायद मई मंथ में मैंने इधर पूरा रिएक्टर्स के बारे में पूरा एक आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है कि रिएक्टर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, स्मॉल रिएक्टर क्या है, ठीक है ना। तो उन सब पे पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और शायद मैंने ये PYQ भी उधर मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हो। कंटेम्प्रेरी इशू एंड कंटेम्प्रेरी इशू क्या है जो साइंस एंड टेक के फील्ड में नए, तो वो आप देख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इधर इन्होंने पूछा था साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया यूनिवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग। अभी वो इंडिया की जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है उधर ना R&D हो नहीं रहा है, तो फिर उसके ऊपर ये इन्हें चिंता जता रहे हैं कि भाई क्या हो गया, हमें R&D की बहुत ज़रूरत है और R&D होनी चाहिए, तो वो देखना है। तो इधर ये हमने जो पूरा बोल बच्चन किया है PYQ के साथ में, जो अपन इधर क्या क्या ज्ञान ले लिए वो हम देखते हैं। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि वो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, और 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अपन को हर हाल में 2 क्वेश्चन के साथ में तैयार करके रखने का है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आएंगे, तो उसमें जो 5-6 जो आपने देखे थे ना थीम्स थे, उन पे अपन को थोड़ा सा माल इकट्ठा करके रखना है, इंट्रो कंक्लूजन, ठीक है ना, थोड़ा बॉडी के 4 फैक्ट, जैसे चैलेंजेस हैं, बी फॉरवर्ड हैं, वो अपन के पास पहले से रेडी हैं, ठीक है ना। जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है वो एकदम रेडी है, तो आपको देखना है, बिकॉज ये 4 थीम्स हैं जो बहुत अच्छे से हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी कवर होना चाहिए, इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, क्यों, क्योंकि ये भाई जो चल रहे हैं ना, तो इन्हें तो आपको मतलब बहुत प्रेडिक्टेबल हैं। अभी चंद्रयान 3 है तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है भाई कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा इवेंट है हमारे लिए। तो हमारे खुद मोदी जी छोटा सा झंडा लेके असल लहरा रहे थे, बीच में बैठे कहीं 1-1.5 घंटे से ये देख रहे थे, तो मतलब काफ़ी ही बड़ा इवेंट रहा हमारे लिए, जिसे हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। आज हम लोग करेंगे, IPR को भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो ये 4-5 जो आपके हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन सबको देखो अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है ना। अभी क्या है ना कि ये मोस्टली कभी कभी तुमने देखा होगा कि रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नोबेल प्राइज किसे मिला था, उस साल किसको मिला था वो भी नहीं, वो 1-2 साल पीछे जाके पूछते हैं कि हाँ ये वाला नोबेल प्राइज के लिए बताओ। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना काफी टफ रहता है, इन्हें हम बाउंसर्स कहते हैं, और वो हर साल 1-2 क्वेश्चन बाउंसर के रूप में देगा आपकी, मतलब जो भी है वहाँ पे आपको चेक करने के लिए, आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड चेक करने के लिए कि हाँ आप सब कुछ सही से मतलब फील कर रहे हो और सब कुछ सही से सेटल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप एकदम ये सब ऐसे क्वेश्चंस देख के सडन आपका पूरा मतलब हालत ख़राब हो गया, और उसके बाद आपने सोचा कि अब तो अपन कुछ लिख ही नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन ना हो, आप अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर सको, इसीलिए ही ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, जहाँ तक मैंने सीखा है टॉपर्स से और फिर कुछ महान टीचरों से, उन्होंने यही बताया कि आपको इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं देने का है, जो बाकी के 19-18 क्वेश्चंस हैं उन पे आप फोकस दो, उनको थोड़ा एवरेज लिखने की कोशिश करो। मैंने बोला एवरेज लिखने की कोशिश करो, ये नहीं कि उनको एकदम अच्छा लिखने की कोशिश करो, क्यों, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखोगे ना कभी तो पता चलेगा कि 7 मिनट में क्वेश्चन एवरेज ही लिखा जा सकता है, एकदम वंडरफुल नहीं लिख पाते हैं, उधर सब ब्लैंक हो जाता है, इसीलिए हम ये सब फोर्डर पॉइंट इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, गगनयान जो भी थे अभी तो गगनयान हटा दो, चंद्रयान लगा दो, ठीक है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इंडियन न्यूक्लियर, इन सब पे आपको माल इकट्ठा करना है। तो मैंने कुछ माल इकट्ठा कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी पे आपका इंट्रो रेडी है पूरा, कंक्लूजन भी रेडी है, जो मैंने रट्टा मारा हुआ है आप भी मान लो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वही आप कर रहे हो। नैनो टेक्नोलॉजी पे पूरा इंट्रो कंक्लूजन है, मैंने भी इस पे रट्टा मारा हुआ है, आप फटाक से मान लो, ठीक है ना। तो यही कुछ थे, 2-3 मैंने इंट्रो कंक्लूजन इस पे रेडी किए थे, बाकी कुछ ज़्यादा पे नहीं किए, क्यों, अभी आपको पता चल गया होगा, स्पेस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो स्पेस का क्या ही इंट्रो रेडी कर सकते हो आप, बताओ मेरे को। फिर वो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अभी चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो चंद्रयान से ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, हिस्ट्री से बताना शुरू कर देंगे कि अपन पहला चंद्रयान भेजे, दूसरा भेजे, वो उनका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ, तो फिर अपन ने तीसरा भेजा और अपन एकदम महाभारत मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा आगे चले गए, ठीक है ना, महाभारत में। तो आते हैं एकदम आज के एडिटोरियल पे।
आज कुछ 5-6 एडिटोरियल आए हुए हैं, मोस्टली 5-6, और कुछ खास नहीं है, बहुत मतलब बाइजर टाइप के एडिटोरियल हैं जिन्हें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, बस अपना वक्त ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इन्होंने 120 पेज भरने के लिए छापे हैं तो हम लोग भी थोड़ा 20 मिनट बर्बाद कर लेते हैं। तो ये क्या है, चंद्रयान 3, ठीक है ना। ये अपना इस अगस्त मंथ का ना सबसे हॉट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि वो मैंने बोला ना, मोदी जी खुद छोटा सा बैठ के टीवी पे झंडा घुमा रहे थे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और उससे मैं एकदम फ़ैन हो गया। मतलब देख रहे हो आप, प्राइम मिनिस्टर होके भी कितना टाइम निकालें इस एक छोटे, मतलब वैसे तो अपने लिए तो बहुत, भारत के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास जो वर्क करने का मतलब क्राइटेरिया है वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो उनके पास वक्त की बहुत ही हमेशा खामी रहती है, फिर भी उन्होंने निकाला, हम लोगों ने भी सबने देखा। तो देखते हैं चंद्रयान क्या था, ज़्यादा गुणगान नहीं करते। तो चंद्रयान की बात क्या है कि चंद्रयान जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अब तक अपन अपन ने 3 चंद्रयान लॉन्च किए हैं, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड। इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन वो बाद में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा जानते हैं, कुछ बेसिक्स बातें हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। बेसिक बातें क्या सीख सकते हैं, सबसे पहली बेसिक बात ये लॉन्च कहाँ से करते हैं हम लोग, वैसे अब सब लोग जानते होंगे, ऐसा 6th 7th में हम लोग सीख जाते हैं। फिर किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, लॉन्च जो भी लॉन्च व्हीकल रहता है वो कौन सा वाला है, जैसे हम लोग पढ़ते थे GSLV है या PSLV है, ठीक है ना। तो PSLV अभी भी चलता है कि नहीं चलता है, क्या GSLV चलते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए UPSC के दूसरे अदर एग्जाम में, CSE में नहीं पूछे गए होंगे तो अदर में पूछे गए होंगे, लेकिन फिर भी बराबर रखना है क्योंकि एक अच्छा फैक्ट है। तो किधर किधर से लॉन्च करते हैं और ये किसके द्वारा लॉन्च करते हैं, ये वाली कुछ छोटी छोटी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो आओ सीखते हैं। चंद्रयान जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो अपना है श्रीहरिकोटा पे, वहाँ से ये लॉन्च किए जाते हैं। देखो दो चीज़ें हैं जो बहुत कन्फ्यूज करती थी जब मैं खुद पढ़ता था, सही आपको भी कन्फ्यूज करती होंगी, तो मैं उनको आज ही ख़त्म कर देता हूँ। जो अपना सतीश धवन सेंटर है ना श्रीहरिकोटा पे, यहाँ पे इसरो की सारी चीज़ें लॉन्च होती हैं, ठीक है ना। इसरो जो कुछ भी चीज़ बनाता है, इसरो बनाता है स्पेस के लिए, ठीक है ना। तो जो कुछ भी स्पेस के लिए बनाता है वो सब का सब कहाँ होता है, श्रीहरिकोटा पे लॉन्च। एक और जगह है चांदीपुर, ठीक है ना, आपने सुना होगा मोस्टली टाइम। पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि कौन सी चीज़ किधर से लॉन्च हो जाती है, साला अपन का पता ही नहीं चलता। कुछ अपन के पंटर लोग बोले कि वो जिधर को इनको अच्छा लगता है उधर ही ये लॉन्च कर देते हैं, पर वो अपन के पंटर लोग सब गलत थे, बेवकूफ़ थे। फिर मेरे को पता चला कि ये चांदीपुर से ना ये DRDO का जो भी आइटम रहता है ना वो इधर लॉन्च होता है। DRDO क्या है, ये डिफेंस से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें बनाती हैं। सपोज दैट जो कोई मिसाइल बनी, अभी जो मिसाइल बनी ना वो मिसाइल कहाँ से लॉन्च होगी, वो आपकी चांदीपुर से, ठीक है ना। तो मिसाइल है, कुछ और भी चीज़ें, मिसाइल ही मोस्टली टाइम होती है ना, वो सारी की सारी कहाँ से लॉन्च होंगी, चांदीपुर से, टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना, उनका जो टेस्टिंग होगा उसके लिए। लेकिन जब भी कोई स्पेस का माल मिलेगा अपन को तो वो श्रीहरिकोटा से होगा, समझ गए ना। तो स्पेस का सतीश धवन श्रीहरिकोटा और वो चांदीपुर, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखने का, दोनों को डिफरेंस डिफरेंस। तो जैसे मैं पंटर लोग के चक्कर में कंफ्यूज था, वैसे आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने बता दिया। तो कुछ चंद्रयान के बारे में जानते हैं, चंद्रयान क्या है। तो चंद्रयान आपको समझ के आ गया होगा कि चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड का सक्सेसर है, मतलब उसके आगे आने वाला है, ठीक है ना, उसी सीरीज में नेक्स्ट है, सक्सेसर नहीं कहोगे तो। जो सीरीज चल रही थी 1 2 के बाद, तो ये थर्ड नंबर का अपना यान है, ठीक है ना, चंद्रमा के लिए। अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर स्पेस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव अपन जानने नहीं बैठेंगे, क्यों? क्योंकि वो अपन को PhD नहीं करने का है, ना ही अपन लोग वो इसरो में जाके फरियाद कर रहे हैं कि भाई मेरे को नौकरी दे दो, या फिर हम उनके हाथ फैलाने नहीं जा रहे हैं कि अपन को नौकरी चाहिए। तो इसरो के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं तो इसरो के बारे में अपन क्यों इतना PhD करेगा, ठीक है ना। अभी सोना बाबू को जो लगता है तो वो करें, अपन नहीं करने बैठेगा, ठीक है ना। तो अपन थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा करेगा, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग करने का है, तो इतना तो हम लोग न्यूज़ में था, खुद मोदी जी बोल रहे थे वो झंडा लेके, ठीक है ना। तो डेमोनस्टर रोवर जो रोवर रोविंग है, ठीक है ना, उनके ऊपर कुछ बातचीत करने था। तो ये हमारे कोई काम की चीज़ नहीं है। अभी एक काम की चीज़ थी जो मैंने हाईलाइट की, कंडक्ट इन सेतु साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अभी ये लाइन का काफ़ी अच्छा मतलब है, इन सेतु का मतलब क्या है, आपने दो टर्म सुने होंगे, इन सेतु एंड एक्स सेतु, ठीक है ना। नहीं सुने होंगे तो अभी इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो उधर देखोगे ना कि कंजर्वेशन होता है, इन सेतु कंजर्वेशन होता है किसी भी एनिमल का या किसी प्लांट का,
एक एक्सेतु कंजर्वेशन होता है किसी भी एनिमल का और किसी भी प्लांट का, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनसेतु का मतलब होता है कि वो जिधर रह रहा है, ये मान के चलो कोई डिब्बा है और इस डिब्बे में कोई एनिमल रह रहा है, ये एनिमल है, ठीक है ना, इस चार पैर हो गए मतलब अभी खड़ा हुआ है, सॉरी, तो अभी इतना छोटे डिब्बे में ड्राइंग नहीं बना सकते थे, तो ये एनिमल है इधर रह रहा है ये डिब्बे में, ये इसका मान के चलो हैबिटेट है। ओके, अभी क्या है कि अपन इधर से आए और इसको इधर ही इसी डिब्बे के अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं, इसका ब्रीडिंग करवा रहे हैं, इसके रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, तो ये इधर ही कर रहे हैं जहाँ ये रह रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनसीतु। अभी इसको क्या किया अपन, इधर से उठाया और ले जाके कहीं लैब में रखा, उधर लैब में जाके इसका ब्रीडिंग करवा रहा है या फिर इसके साथ में कोई रिसर्च कर रहा है, तो जब ये अपने घर से बाहर चला गया तो एक्स हो गया, ठीक है ना, मतलब एक्स मतलब बाहर होता है, एक्स का मतलब बाहर होता है। अब वो अपनी वाली एक्स मत समझ के बैठ जाना, वो भी आपके लाइफ से बाहर ही होता है, तो मतलब आप समझ गए, ठीक है ना, तो एक्स का मतलब क्या बाहर, किसी से भी रिलेटेड कर सकते हो। तो ये जहाँ चंद्रमा पे जिधर ही ये लैंड करेगा ना, उधर ही कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उधर से वो मिट्टी को लेके आएगा फिर इधर आके बोलेगा चंद्रमा का मिट्टी लेके आए, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिसर्च नहीं होगा, उधर ही कुछ रिसर्च करने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा मे बी कि इन सेतु क्या होता है। अभी लॉन्च व्हीकल क्या है, तो अभी हम लोग देखे थे कि लॉन्च व्हीकल हमें पता होना चाहिए, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका था, कहाँ से हुआ था, सतीश धवन, हरिकोटा, श्री हरिकोटा से। अभी वो किसके थ्रू लॉन्च किया गया, तो लॉन्च व्हीकल क्या है वो जानते हैं, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखो GSLV, ठीक है ना, अभी क्या है ना, पहले PSLV चलता था पोलर वाला, ठीक है ना, अभी क्या है ना, ये GSLV चलने लग गया है, जियो सिंक्रोनस। तो GSLV के भी कई सारे वर्जन आते हैं, तो GSLV का एक वर्जन है MK3, ठीक है ना, MK3। अभी ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये सारे जितने भी नए हम लोग देखेंगे ना, जो भी लॉन्चिंग हो रहे हैं वो सारे किससे हो रहे हैं, GSLV MK3 से। इवन चंद्रयान 2 भी इसी से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, चंद्रयान 2 का भी जो एरिया था वो यही था साउथ पोल, तो ध्यान रखना चंद्रयान 2 के मतलब एकदम उससे काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, उन्हीं चीज़ों में कुछ ही चीज़ें चेंज की गई थी, बाकी जो चंद्रयान 2 से हम कर रहे थे वही हम चंद्रयान 3 से कर रहे हैं। तो आप अब तक क्या सीखे, अब तक आप सीखे हो कि ये GSLV जो MK3 है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, तो ये हमने देखा MK3 इसका लॉन्चर था, तो अभी ये इंडिजिनियस पेलोड था, ये क्या था, ये हमारे काम का है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, अभी इधर बाल की खाल निकालने का नहीं है कि अपन इधर बैठा है तो एकदम मस्त मोदी जी ने वो झंडा क्या लहरा दिया, फिर आप कहो कि इसकी मैं एक एक बर्ड को रट के चला जाऊंगा, फिर मस्त यहाँ जाके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो वो ऐसा कभी संभव नहीं हुआ पिछले 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, तो फिर मे भी संभव नहीं होगा, पर जिनमें से कोई बहुत ही मतलब अलग ही लेवल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो फिर भाई तू रट ले, मैं तो नहीं रटेगा, क्योंकि जो काम का नहीं है उसको छोड़ देने का है। तो फिर हमने अब तक क्या सीखा, हमने देखा कि चंद्रयान था, चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और वो इसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा था, तो वो इनसे तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च करेगा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 से। अभी वो इसका पेलोड क्या है, तो आपको ये कुछ जानना है, तो मेरे को लगता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसको जानने की, क्यों, क्योंकि पिछले मैं 1-2 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले भी मैं काफ़ी दिनों तक पढ़ाया था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जिसमें वो कितना वेट था क्या था ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो अभी ये लैंडिंग साइट क्या है इसका, तो मैं बोला ना सिमिलर चंद्रयान 2 के, अभी मैं बातचीत कर रहा था, जो चंद्रयान 2 था उधर ही जाके ये जो साउथ पोल है अपना वहाँ पे ही जाके ये लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 वो आपको पता ही कि 23 अगस्त को पहुंचना था, ये मैगजीन पहले छप चुकी है, लेकिन ये 23 अगस्त को पहुंच चुका था, ठीक है ना, तो हमने ये देख चुका है, फील किया हुआ है कि वो 23 अगस्त को कैसे पहुंचा, और एग्जाम्पल के तौर पे वो मोदी जी छोटा सा झंडा लेके घूमा, ठीक है ना, तो आपको बराबर याद रखना है कि ये 23 को पहुंचना था, वो पहुंच गया मस्त। सबसे अच्छी बात याद क्या रखनी है कि इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। अभी बहुत सारा बच्चा लोग को यही समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को भी एक पेंटर पूछ रहा था कि भाई ये सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है, वो दो टाइप से लैंडिंग हो सकती है ना, एक होती है सॉफ्ट एक होती है हार्ड, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सॉफ्ट का मतलब होता है जैसे हम चाहते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ से ना काफ़ी अच्छी स्पीड पे, जैसे ये मान के चलो कोई भी रोवर है इस पर पहिए लगा देते हैं, ठीक है ना, या फिर ये कोई गाड़ी है जो ऊपर से उतारनी है हमें, यहाँ प्लेट लगा दिया, अभी इसका काफ़ी स्पीड रहता है और जो अपना एरिया है ना चंद्रमा का वो एकदम प्लेन थोड़ी, वहाँ पे रोड थोड़ी नहीं बना रखा है कि वहाँ पे जाके कुछ भी चीज़ उतार दो, तो यहाँ उतरी इसकी स्पीड काफ़ी होती है, तो अभी इस पर चढ़ेगी नीचे जाएगी ऐसे होगी तो ये पलट जाता है गिर जाता है कुछ भी हो जाता है, तो वो लैंडिंग जो होती है ना वो हार्ड लैंडिंग के चलते ख़राब हो जाती है,
अभी क्या है, ये एकदम मस्त गया स्पीड कम करते हुए और यहाँ जाके एकदम वैसा ही रह गया जैसा था, मतलब ऐसे फट एकदम फूका नहीं, ना फूटा ना कुछ खराब हुआ, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, ठीक है ना, मतलब इजीली जाके वहाँ पे रख जाए तो वो सॉफ्ट लैंडिंग है, ऐसा कह सकते हैं। तो अपन लोग ने क्या किया है कि चंद्रयान थर्ड का जो सॉफ्ट लैंडिंग किया है और चंद्रयान टू के सेम लैंडिंग साइड पे ऐसे उतारा गया है। तो अभी ये किधर उतारा गया, तो आप ये देखना चाहोगे ना, तो इधर है देखो, ये है मून अपना पूरा, ठीक है ना, चंद्रमा, चांद, कुछ भी कह लो आपका दिल करे तो। ये आप जानती हो, नॉर्थ साइड साउथ साइड, ये ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी, पर ये इन दोनों का अपन को कोई काम नहीं, तो इसको हटा देंगे। तो ये नॉर्थ साइड ध्यान रखना, ये साउथ साइड ध्यान रखना। मोस्टली क्या होता है ना कि जहाँ तक ये इक्वेटर है, आपको दिख रहा होगा ये इक्वेटर है, और ज़्यादातर जितने भी अब तक जितने भी मिशंस गए हैं चंद्रमा पे, वो मोस्टली इक्वेटर के आसपास गए हुए हैं। इस वाले इलाके में ही सारे मिशंस जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने भेजे हैं, वो यही रहा है जो आपका इक्वेटर है उसके आसपास, ठीक है ना। उधर कैप्रिकॉन और कैंसर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा कुछ इलाका है, ठीक है ना, इधर ही गए हुए हैं। तो मोस्टली लोगों ने ये देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए उन्होंने कि यही सब जगह थे, लेकिन अपन ने क्या किया, अपन ने पहले से ही एक अलग नई स्ट्रेटजी बनाई हुई थी चंद्रयान टू के टाइम से कि अपन साउथ में करेगा। साउथ में क्यों करेगा, तो उसके भी कुछ रीजन है, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो चंद्रयान थ्री ना वो इधर लॉन्च किया गया साउथ में, एकदम साउथ में, ठीक है ना, चंद्रयान थ्री लैंडिंग साइट नियर साउथर्न पोल, तो इधर एकदम लॉन्च हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए साउथ में लॉन्च किया गया है। और टू भी साउथ में लॉन्च होना था, लेकिन वो हार्ड उसकी लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट नहीं हो पाई थी। ओके, तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो ये साउथ में क्यों कर रहे हैं, तो भाई साउथ पोल ऑफ द मून क्यों चूज किया है, तो फिर वो इन्होंने बताया कि चूज क्यों किया है, कि उन्होंने कहा था कि जो साउथ पोल है ना उसके कुछ एडवांटेज हैं, क्या है, क्रिएटर हैव बीन अनटच्ड बाई सनलाइट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर, मतलब इतने सालों से ना सूरज की लाइट इधर पहुंचती नहीं है, तो यहाँ पे जो भी क्रिएटर्स हैं बहुत पुराने हैं, बिलियंस ईयर्स पहले के हैं, तो शायद इधर से अपन को कुछ ऐसा रिसर्च में मिल जाए जो कि हमें बताए कि ब्रह्मांड कैसे बना था, ऐसा कोई मतलब यहाँ से ऐसा कोई भी साइंटिफिक रिसर्च मिल जाए जिससे हम ये बता सकें कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो बहुत मौज आ जाएगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्डेड सोलर सिस्टम ओरिजिन, तो सोलर सिस्टम का ओरिजिन मिल जाए अपन को, कुछ ऐसी जुगाड़ इन्होंने सोची है। इधर क्या है ना, हमेशा जो जो भी परमानेंटली शेडो क्रेटर एंड एस्टिमेट होल्ड इनफ वाटर, इधर क्या है ना पानी भी मिल सकता है, तो इधर अपन पानी का भी सर्च करने निकले हैं कि उधर वहाँ पे हम लोग पहले दो बार जब भी गए हैं तो हमने देखा है वहाँ पे कि वेपर के रूप में, जब तो फर्स्ट जो था ना अपना चंद्रयान उसमें हमने पता किया था फर्स्ट चंद्रयान में कि वहाँ पर वेपर है, वाटर वेपर होती है ना वो है, फिर सेकेंड में हमने देखा था कि सॉलिड वाटर है वहाँ पे, अभी हम लोग चाहते हैं कि थर्ड में वहाँ पता करें कम से कम वाटर है कि नहीं है, तो ये कुछ चीज़ें हम पहले ही पता कर चुके हैं कि पानी बेटर जो अपना पानी है वो वेपर फॉर्म में भी है और वहाँ पे कुछ सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस क्यूब रहे होंगे कुछ, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे पानी वानी की कुछ जुगाड़ बता सकते हैं जिससे फ्यूचर में कोई और मिशन भेजा जा सके। पोजिशनल एडवांटेज है, ठीक है ना, यहाँ पर पोजिशनल एडवांटेज क्यों है, क्योंकि पिट स्टॉप फॉर द फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्यूचर में, नए दूसरे चंद्रयान फोर और फिफ्थ सिक्स को भेज के, ठीक है ना। इट ट्रेस हाइड्रोजन अमोनिया एंड मीथेन सोडियम मरकरी एंड सिल्वर, ये कई सारे जो गैसेस हैं ना, हाइड्रोजन अमोनिया मीथेन सोडियम मरकरी एंड सिल्वर, ये सब भी इधर मिलती हैं इजीली, ठीक है ना। तो ये सब जो इजीली मिलती हैं, इजीली का मतलब है कि अभी तक किसी ने इनको छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये एरिया ही नहीं छेड़ा गया है, तो यहाँ पे चाहे आपके क्रिएटर्स हों या फिर आपका कोई गैसेस हों या आपका वाटर हो या फिर कुछ भी हो, वो कोई भी आइटम अभी तक छेड़ा नहीं गया है। इसलिए क्या है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करने का चांसेस मिल सकता है, इसलिए अपन ये साउथ पोल चूज किए। ऑल प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट को देखोगे ना, तो मोस्टली के मोस्टली जितने भी हमने बता दिए थे, ये जो हम लाइन लिख रहे हैं वो यही है कि सबके सब लोगों ने क्या किया है कि इक्वेटोरियल रीजन में ही मोस्टली टाइम पे लैंड किया हुआ है। क्यों इक्वेटोरियल टाइम पे, सॉरी इक्वेटोरियल पे जो भी इक्वेटोरियल रीजन रहता है इधर, ये लोग क्यों लैंड करते हैं, तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये बहुत इजी और सेफ रहता है, इक्वेटर पे लैंड करना इजी और बहुत सेफ रहता है, बहुत आसान रहता है, फिर वो बच्चों का खेल हो जाता है इधर जाके प्लेन को रखने का, तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने साउथ पोल पे कर दिया है, तो फिर और बाकी सब बच्चा लोग हैं तो वो सब इक्वेटर पे खेलें, कोई नहीं टक्कर पे, क्योंकि अपन साउथ पे कर रखा है, तो वहाँ पे टेरेन टेम्परेचर और सब कुछ बहुत अच्छा है। इधर का एरिया जो है ना वो भी एकदम समतल है, मतलब प्लेन्स हैं, एकदम जहाज की तरह से आप आगे भगा के ले जा सकते हो, ठीक है ना।
वो एकदम मस्त है, ट्रेन भी अच्छा है, उधर क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, उधर डस्ट वस्ट नहीं है, ठीक है ना, तो इजीली वहाँ हो जाता है। तो अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने देखा है कि चंद्रयान जो 3 है वो सतीश धवन से लॉन्च किया गया था इन सेतु साइंटिफिक रिसर्च के लिए, GSLV MK3 के द्वारा हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? तो हमने देखा जो प्रीवियस चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग साइट थी उधर ही, ठीक है ना, तो वो हमने अच्छे से समझा। अभी इसमें कुछ छोटी बात और जानते हैं। इसका लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, और एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान। तो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ये दोनों ही जो थे वो मून पे अपना 23 अगस्त को लॉन्च हुए हैं, मतलब सॉरी लैंड हुए हैं। ओके, तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है, और वो 23 को हुए थे। फिर वो याद करो मोदी जी की छोटे सा झंडा लेके घुमा रहे थे। अभी इंडिया का मतलब अंडरबर्ड में क्या हालत है वो हम समझते हैं इसको लॉन्च करने के बाद, मतलब इसको लैंड करने के बाद। इंडिया जो है ना वो अपना ऐसा नंबर लगाया जाए ना तो नंबर के हिसाब से ना फोर्थ कंट्री बन गया है जो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करा हुआ है, मतलब फोर्थ कंट्री है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ठीक है ना, सॉफ्ट लैंडिंग। इससे पहले 3 लोग थे वो कर चुके थे, वो US, रसिया, चाइना। तो ऐसा हमेशा ध्यान रखना है ना कि ऐसा कुछ फर्स्ट कंट्री नहीं बना अपना इंडिया जो चंद्रयान मतलब चंद्रमा पे कुछ ऐसा सॉफ्ट लैंडिंग किया है। लेकिन लेकिन एक चीज़ में अपन फर्स्ट कंट्री बने हैं, फर्स्ट कंट्री जो कि साउथ पोल पे, उसके साउथ पोल पे लैंड कराने वाला अपन फर्स्ट कंट्री है। हम लोग देखा देखा नहीं था अभी कि सब लोग कहाँ करवाए हैं, इक्वेटर के बीच में, लेकिन अपन कहाँ करवाए हैं? अपन करवाया है एकदम साउथ में, मतलब नीचे। तो साउथ के हिसाब से अपन फर्स्ट कंट्री बना है। तो वो फिर मैंने लिखा था इधर, कोई नहीं है टक्कर। तो अभी सॉफ्ट लैंडिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये तो बच्चों का खेल है, ये तो आप सब जानते हो कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग मैंने सिखा दी आपको, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। अभी ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, जो आपका ट्रेन है वो ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्रेन प्लान होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ होगा तो फिर वो आप मान लो आपके पास गाड़ी है, गाड़ी को रख के सोच लो, स्पीड में आएगी तो टकराएगी, ऊपर उड़ जाएगी, फूक जाएगी, कुछ भी हो सकता है, जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, फिर वो पूरा मतलब कहीं से भी कहीं भी गिर सकती है। आप इधर गाड़ी को इमेजिन कर लो, अभी यहाँ से बखाने नहीं जाएगी। डिस्टेंस, अभी कहना है कि ये मतलब जो भी सॉफ्ट लैंडिंग होती है ना उसमें डिस्टेंस भी काफ़ी मतलब सही से देखा जाता है कि कितने दूर रहे, उस हिसाब से कुछ उसके स्पीड को मेंटेन किया जाता है। तो स्पीड भी मैंने बोला था ना, स्पीड भी देखी जाती है कि कितनी स्पीड कम करनी है, फिर कितनी कम करनी है, फिर कितनी कम करनी है, उसके बाद आगे जाना। अभी क्या है ना कि हम लोग जब भी लैंडिंग कर रहे होते हैं तो अपने पास एक्सीलेटर नहीं होता है कि उसकी स्पीड कम कर दें, लेकिन फिर भी स्पीड कम करते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल कम नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि बिल्कुल जाके उतार दें वहाँ पे, ऐसे ले जाके लैंड पर रख दें फिर कहें अब चल बेटा चक चक चक, ऐसा नहीं है। एकदम आ रहा होता है, ऊपर से आ रहा होता है और उसकी स्पीड तो कम हो रही होती है, एकदम अचानक यहाँ आएगा और चलना शुरू कर देगा। तो फिर वो ट्रेन पर डिपेंड करता है कि भाई कैसा है, थोड़ा बहुत इसको उस हिसाब से बनाया जाता है कि ट्रेन को ये थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सके। अभी वहाँ पे लूनर डस्ट है, वहाँ पे ऐसा पता चले कि साइक्लोन आया हो तो फिर वो फंस जाएगा उधर, और इधर उधर फंस के कहीं गिर के टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस रहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग के, तो ये कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप वैसे ही जानते हो कि स्पीड पे ध्यान दो, वहाँ कोई भी ऐसा साइक्लोन लूनर डस्ट साइक्लोन ना आया हो, और ट्रेन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो हाउ चंद्रयान 3 प्लान टू टैकल दिस, अभी वो पूछ रहे हैं कि ये चैलेंजेस को कैसे कैसे चंद्रयान ने टैकल किए, ये कोई काम की बात है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। अरे भाई ये थोड़ी नहीं पता करना है हमें कि वो चंद्रयान नीचे गिरा, सॉरी चंद्रयान जब लैंड हुआ, ठीक है ना, तो उधर उस कौन सी चींटी घूम रही थी, कौन सी पहाड़ी पे आया, भाई ये हमारे काम का नहीं है। तभी इन्होंने लिख दिया 120 पेज भरने के लिए कि कैसे टैकल किया, भाई क्या टैकल किया होगा, इन्होंने सही से ट्रेन देखा होगा इस उनको दिखता होगा, तो ये तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने स्पीड को कम किया होगा, ठीक है ना, उधर एटमोसफियर चेक किया होगा पहले कि इधर कोई साइक्लोन वाइक्लोन तो नहीं आ रहा है, ये सब काम क्यों होंगे, ये मेरे को क्यों जानने है? मैंने बोला ना मैं कोई इसरो में जाके थोड़ी नहीं अर्जी लगा रहा हूँ कि भाई मेरे को नौकरी पे ले ले, मैं तो CSE को अर्जी लगा रहा हूँ ना, तो उसकी सोशल की बातें ज़्यादा जानूंगा, बस टेक्नोलॉजी में जानकारी रखूंगा बराबर, तो इतना घुस के नहीं। तो वही इन्होंने सब चीज़ बताई है कि थ्रस्ट को बढ़ाया, लैंडिंग वेलोसिटी, लैंडिंग साइट, ये सब बातें लिखी होंगी। भाई साउथ पोल ऑफ मून तो हमने पढ़ लिया, क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ फायदे थे। अभी ये कुछ प्रीवियस लूनर मिशंस हैं, जैसे चंद्रयान 1 2009 में गया था
चंद्रयान 2 2019 में गया था, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में कुछ बातचीत लिखी हुई कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके और क्या क्या माल था। तो मैं तुम्हें पूछता हूँ कि क्या लगता है तुम्हें, चंद्रयान फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे को? कमेंट में जरूर बताना। चंद्रयान टू क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा मेरे को बताना। तो आंसर है, मैं बता देता हूँ अपना, नहीं। फिर आप बोलोगे कि फिर काय को पढ़ा रहे हो उधर मगजमारी करके। कहूँगा, मैं पूछूंगा कि भाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको इतना नॉलेज हो कि चंद्रयान फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनके अकॉर्डिंग टू फेलियर्स अकॉर्डिंग टू सक्सेस, कहाँ कौन से पॉइंट्स पे ये फेलियर थे और कौन से पॉइंट पे ये सक्सेस थे, ये वाली बात हमें पता रखनी है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, हमारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में मदद कर सकती है, मददगार बन सकती है ये। तो अपन इसको पढ़ेगा चाहे कोई भी रोके, तो मददगार बनेगी। तो चंद्रयान फर्स्ट 2009 में लॉन्च हुआ था, तो ये मोस्टली टाइम पे ना किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। आपका चंद्रयान टू तो GSLV MK3 सॉरी, तो इसी से आपका थर्ड लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना है, सेकेंड और थर्ड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 साल का डिफरेंस है। तो 4 साल में कोई इतनी महान टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आपको ये बराबर बात पता होनी चाहिए। इसने वाटर मेलिकुल्स H2O के कुछ डिटेक्ट किया था, कोई जो भी वाटर मेलिकुल्स रहे होंगे वो कुछ सेपरेटली डिटेक्ट किए थे, लेकिन इसने वाटर वेपर डिटेक्ट किया था, जो मैं पहले बता चुका था कि फर्स्ट में वाटर वेपर, इधर कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स इन्होंने डिटेक्ट किए थे, जो कुछ बात की थी। एक और चीज़ काम की लगी मुझे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोलर फ्लेयर्स। इसने कुछ सोलर फ्लेयर्स के बारे में बातचीत बताई थी चंद्रयान टू ने, लेकिन फर्स्ट ने ऐसा कुछ खास बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ सोलर फ्लेयर जैसा कुछ है, तो लेकिन कुछ सही सटीक सबूत नहीं दे पाए थे। तो अब तक हम जल्दी से सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं चंद्रयान 3। पहला, लॉन्च कहाँ से हुआ? तो श्री हरिकोटा से, ठीक है ना। श्री हरिकोटा में क्या है तो आपको पता हो, 37। सेकंड, किससे लॉन्च किया गया? GSLV MK3 से ये लॉन्च किया गया था। फोर्थ बात, ये लॉन्चिंग साइट किधर थी, तो वो आपको याद रखना चाहिए, साउथ पोल। क्यों? क्योंकि वो हमने बहुत सारी बातें देखी थी, क्योंकि उधर क्या कहते हैं, अनटैप्ड बहुत सारा गैसेस है, ठीक है ना, वहाँ के क्रिएटर्स हैं जिससे हम ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पता कर सकते हैं, उधर रिसर्च करने का काफ़ी स्कोप है, ठीक है ना, इसलिए साउथ पोल पे हमने इसे लॉन्च किया है, ठीक है ना। अभी ये लॉन्चिंग लॉन्च कर, तो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग में ना क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो आपको पता हो, ट्रेन का स्पीड का, ठीक है ना, वहाँ पे कोई भूकंप अर्थक्वेक तो नहीं आ रहा है, उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन्हें ओवरकम कैसे करेंगे, तो वो आपको तीनों चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है ना। फिर हमने ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी। उसके बाद हमने देखा था कि इसके प्रीवियस मिशन, तो एक फर्स्ट सेकंड था, ठीक है ना, तो उनमें कुछ खास खास बातें थी वो हमने बात कर रखी। अभी ये कंक्लूजन की बात करते हैं, रिसेंट लूनर मिशन एंड प्लैंड मिशन। हाँ, ये वाला जो कॉलम है इसे आप थोड़ा सही से देखें, क्योंकि PT में ऐसे क्वेश्चन निकले हुए हैं कि किसी और कंट्री का मिशन था और फिर वो पूछता है कि ये वाला जो टर्म है ना वो रिलेटेड टू है, तो कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया, तो बराबर पता होना चाहिए आपको। साउथ कोरिया, डांडोरी मिशन है, ठीक है ना, जापान का आई स्पेस हकुटो-R, ठीक है ना, जो UAE के साथ में था, रसिया का लूना 25, USA का Artemis 2, ठीक है ना, और स्पेस जो कहते हैं स्पेस एल है ना, ब्रेस सीट का, वो आपके इसराइल का है, बियर सीट है, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, ये 2025 के लिए, 24 के लिए ये हो चुके हैं, और ये 2023 के लिए, तो इनको एक बार आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपना चंद्रयान अच्छे से कवर हो गया। चंद्रयान को थोड़ा सा अच्छे से मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी देखो, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, चंद्रयान पे नहीं है, मैंने चंद्रयान ये कवर किया है तो उसको थोड़ा समझने के लिए दिखाता हूँ। ये 2016 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था मंगलयान के बारे में, ठीक है ना, तो 2016 का क्वेश्चन है मेरी, ओके। तो आप जैसे मैं ऐसे वो आप देख लेना, इसमें उन्होंने पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मंगलयान लॉन्च बाई इसरो। हाँ भाई, मंगलयान लॉन्च इसरो नहीं किया था, ये वाली बात सही है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन। हाँ भाई, इसको मास ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि एक हमने अभी क्वेश्चन देखा था PYQ मेंस का, जिसमें उसने बोला था कि चंद्रयान और मास ऑर्बिटर मिशन पे कुछ बातें लिखो। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन से हम लोग आंसर बना सकते हैं।
क्वेश्चन बोला था कि अनमैन्ड जो भी क्या कहते हैं बहुत सारे हमारे जो अनमैन्ड हैं जिसमें मैन नहीं जाता है वो मिशन हैं, जैसे चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन, उनमें हमने रिमार्केबल सक्सेस हासिल की हुई है। लेकिन मैन वाले में क्या है ना, अपन खुश हो गए, मतलब अपन का कुछ ऐसा खास सक्सेस नहीं है उधर, अपन उधर कुछ खास नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो वो उधर कुछ क्रिटिकली चैलेंजेस पूछ रहा था या फिर कुछ पूछा था उसने कि ऐसा क्यों है। तो इसका मतलब ये मार्स ऑर्बिटर मिशन है, क्योंकि इसको कहते हैं मेड इंडिया सेकेंड कंट्री टू हैव स्पेशल ऑर्बिट मार्स ऑर्बिटर आफ्टर यूएसए। क्या इंडिया दूसरा देश बन गया जो कि मार्स पे अपना स्पेसक्राफ्ट लेके गया है यूएसए के बाद में? तो भाई ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग, हम लोग इतने भी सक्सेस नहीं हो गए हैं कि रसिया को पीछे कर लें। कल तक तो हम लोग रसिया से ही चप्पल मांग के पहन रहे थे, मतलब सॉरी टू से दैट, ऐसे कह सकते हैं ना, हम लोग रसिया से इतना टेक्नोलॉजी मांगते ही रहते हैं कि लाओ ये भी दे दो, लाओ ये भी दे दो, कटोरी है तो वो भी दे दो। हमने मोस्टली जितने भी डिफेंस की चीज़ें वो उधर से इम्पोर्ट की हुई हैं, तो मोस्टली इतने हम डेवलप नहीं हो गए कि रसिया को पीछे कर दें। तो इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं, रसिया वसिया से तो हम पीछे हैं अभी, क्योंकि वो बहुत ही हमसे आगे कंट्री है। तो ये सेकेंड तो हम नहीं बने होंगे, तो इसको तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड तो नहीं बने, क्योंकि मून के लिए भी हम चंद्रयान थर्ड में सक्सेस होने के बाद हम चौथे कंट्री बने। तो ये दूसरा दूसरा हटाते हैं, कुछ खेल खेलते हैं। तो या तो फर्स्ट है या तो फर्स्ट एंड थर्ड है, चलो थर्ड भी देख लेते हैं, आपका दिल है तो। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल मेकिंग इट स्पेस स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट मास इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है कि इंडिया केवल पहली कंट्री है जिसने पहले अटेम्प्ट में ही ये सक्सेसफुल हासिल कर ली, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैं करूँगा, उससे पहले मैं दो तीन क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा क्यों है? आप कहोगे कि इससे रिलेटेड तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं है, फिर ये काय के लिए, बकेती हाँकने के लिए सब कुछ रखा हुआ है। नहीं भाई, इसके पीछे ना काफ़ी अच्छा रीजन था जिसके लिए मैंने इधर इसे रखा हुआ है, समझते हैं क्या है। फर्स्ट रीजन, क्या इधर इसने कोई पेलोड, कितना वजन का था, कितने किलोमीटर से भागता था, ठीक है ना, कितनी दूरी पे पहुंचता था, ठीक है ना, कितना क्या था, ऐसा कोई फैक्चुअल बात पूछा है क्या इसने कि पेलोड का नाम क्या था, जब ये गिरा वहां पर चींटी थी या चीटा था, या चींटी थी तो किस रंग की थी, उसकी दो टांगें किधर थी, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा क्या उसने मेरे को बताओ। ये मैंने इसलिए रखा है, ऐसा मिशन से क्वेश्चन निकला है तो। और हमेशा ना इनके क्वेश्चंस का हमेशा पैटर्न सेम रहता है, ये ध्यान रखना है, बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि PYQ पढ़ो, क्योंकि सबको पता है कि चीज़ें उनकी चेंज ज़्यादातर नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन मेयरली आप देखोगे ना तो चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है ना। तो इधर ऐसा कोई फैक्चुअल बात पूछा ही नहीं है, तो सिर्फ सिंपल सिंपल बात पूछ रहा है कि इसका नाम ये है और इसका अपना एंडरवर्ल्ड में क्या अपनी औकात है। तो हमने देखा कि अपन सेकंड तो नहीं है, थर्ड फोर्थ रहे होंगे फिर, ठीक है ना, अपन किस चीज़ में फर्स्ट हैं। अब ये सेम ऐसा ही एक फैक्ट क्या बन रहा है अपने पास, ये बन रहा है कि अपन फर्स्ट कंट्री बने हैं चंद्रयान थर्ड के लिए जो साउथ पोल पे लॉन्च किया है, ठीक है ना, फर्स्ट कंट्री बने हैं जो हम लोग कहाँ साउथ पोल पे किए, बाकी सब लोग किधर करता रहा, सब लोग कहाँ करा है, इक्वेटर के बीच में कहीं करा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमने पढ़ा था उधर टेरेन अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, उधर एकदम प्लेन जगह होती है और मस्त जाके उधर सॉफ्ट लैंडिंग कर देते, बात समझ गए ना। तो ये सब चीज़ के लिए मैंने इसे रखा था, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, तो हम लोग ये थर्ड थे, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो गए थे, ठीक है ना। फिर वो आप देखना जाके मंगलयान करके अच्छा कुमार का भी मूवी आया हुआ है, तो ये सी इसका आंसर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपन सक्सेस हो गए थे। तो ये अपना चंद्रयान पूरा कवर हो गया, हमने एक क्वेश्चन भी देखा कि क्या क्वेश्चन रहता है। क्या नेक्स्ट है? ब्लैक होल के बारे में। अभी ब्लैक होल के बारे में ना कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट जो जून मंथ का था ना वो किया हुआ था। अभी जिन लोगों को ना थोड़ा सा भी ये स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जून का साइंस एंड टेक जाके देखें। उधर मैंने पूरे PYQ कराए हैं, सारे PYQ, और बहुत डिटेल में मैंने 2 घंटे लगा के ना एक कॉन्सेप्ट को समझाया है, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स को, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को मैंने जो समझाया वहाँ पे ना, प्लीज़ आप जाके उसे देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। आप जाके उसे देखो, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी मतलब नॉलेज नहीं है तो आप उसे देखेंगे तो आपका काफ़ी बेस डेवलप हो जाएगा। और मे बी हर साल एक आध एक क्वेश्चन आप देखोगे, हमेशा हमेशा देखोगे ना, अल्टरनेट ईयर पे देखोगे, मान के चलो रेगुलर नहीं आ रहा है तो अल्टरनेट डे पे देखोगे आप कि कुछ
कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि मोस्टली टाइम पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि उसको जाके एक बार जरूर देखना, ठीक है ना। तो वो आप जाके देख सकते हो अभी। तो ब्लैक होल क्या है, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चीज भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक होल के बारे में पढ़ ही लेते हैं। अभी जो ये पूरा टॉपिक है ना, इसमें दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक इन्होंने ब्लैक होल पे चर्चा की है, दूसरी इन्होंने जो टाइम डायलेशन होता है ना उस पे चर्चा की है। तो मैं पहले ना, ब्लैक होल तो आप सब जानते होंगे ना, टाइम डायलेशन फर्स्ट, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो इन दोनों चीज़ों को समझाता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो आप देखते हैं क्या है। तो एक तरफ है ब्लैक होल और एक तरफ है टाइम डायलेशन। अभी टाइम डायलेशन क्या होता है वो समझते हैं। टाइम डायलेशन समझने से पहले ना, हम लोग अपने बाबा आइंस्टीन को याद करते हैं। तो जो आइंस्टीन थे ना, आइंस्टीन सर ने ना दो थ्योरी दी थी, एक स्पेशल और एक जनरल। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो इनकी रिलेटिविटी थ्योरी थी ना, उनके ऊपर कुछ रिसर्च की गई और कुछ और ज़्यादा रिसर्च की गई, तो कुछ बातें निकली, उन बातों को समझते हैं। इनकी रिलेटिविटी थ्योरी क्या कहती है वो समझो। इनकी रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि मान के चलो आप दो आदमी हो, ऐसे इधर हम बना लेते, एक आप हो एक ये है मैम, ठीक है ना। ये गुस्सा हो जाएंगे, मुंह बना देता मतलब इनका मुंह नहीं बनाया, मतलब उनका फेस बना देता हूँ। अब ये सीरियस मत ले लेना, ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है। तो ये दो लोग हैं, ठीक है ना, ये भाई हैं और ये इनकी बहन है या जो भी है, ठीक है ना, इनकी बाबू है। तो अभी ये दोनों लोग का एज, इनका एज है मान के चलो 20 साल, ये बाबू हैं तो थोड़ा कम एज की रखता हूँ नहीं तो गाली देंगे, ये 18 साल की हैं, ठीक है ना। तो ये 20 साल की हैं, 18 साल की, तो ध्यान रखना है। ओके नहीं, इनका ना थोड़ा एज बढ़ा देते हैं, ये अपने साथ थोड़ा सही बैठ नहीं रहा है। ये 25 साल के हैं और ये 20 साल के। अभी आप ये मत बोलना 25 साल का क्यों है, क्योंकि यूपीएससी का एवरेज आईएएस बनने का जो एज है वो 28 है। तो इतना दिल पे मत लेना, क्योंकि वो यूपीएससी ने अपना डाटा दिया हुआ है। इन दोनों का एज ये है और ये एन एवरेज हाइट में भी इक्वल है। तो क्या बताया आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने बताया कि जब भी हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो एज पे और उसकी हाइट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या पड़ता है वो हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो ये दोनों को हम लोग थोड़ा भी साइड करते हैं, अब थ्योरी पे आते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखना इनका एज, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो क्या होगा, जब भी किसी को मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, ये दोनों यही हैं, इनमें इनको मैंने जमीन पे छोड़ दिया, ये हमारी लैंड पे हैं, इनको हमने क्या किया, ये भाई को क्या मैंने स्पेस में ले गए, ठीक है ना, और वहाँ पे हमने इनका स्पीड बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। अभी अपना जो अर्थ मूव कर रहा है उससे ज़्यादा बहुत स्पीड कर दिया। तो अभी ऐसे मान के चलो तुम कि इनका स्पीड था ना, इनका स्पीड हमने मान के चलो लाइट के बराबर कर दिया या फिर उससे भी ज़्यादा स्पीड कर दिया। जहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है मूव करने की, और वहाँ पर ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होता है, जहाँ स्पीड या ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ एज कम होती है। ये क्या कहा आपने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस भाई को हम एक ऐसी जगह पे खड़ा करते हैं जहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, और ये जो इनकी बाबू है ये हम अपने यहाँ ज़मीन पे ही रखते हैं, मतलब अर्थ पे ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि वहाँ पर जिनके यहाँ जो 1 साल होगा ना, तब तक इनके यहाँ पे ना 200 साल हो चुके होंगे। टाइम का इतना चेंजमेंट आ जाता है। तो क्या चेंजमेंट आ जाता है कि जहाँ पर जो एज है आपकी, वो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके जो आपका देख रहे हो, क्योंकि ना प्रोपोर्शनली होती है। प्रोपोर्शनली कैसे, कि जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ही कम एज होती है, कि उल्टा मैंने लिख दिया, इन्वर्सली होगी, ठीक है ना। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, मैंने जो साइन था वो गलत लगा दिया था, ठीक है ना। तो क्या होगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वहाँ एज उतनी ही कम होगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि एज तो कम हो जाएगी
ओके okay, मतलब एज कम होगी का मतलब क्या है कि एक साल वहाँ पे शायद 500 साल के बराबर हो, वहाँ का एक साल अपने यहाँ के 500 साल के बराबर हो, तो उस हिसाब से ये चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक तर्क दिया था कि ये जो थ्योरी है ना आइंस्टीन की, ये मतलब अपने वेदों से निकाली गई है, जो वेद हैं उनके हिसाब से कुछ ऐसा कुछ बताते हैं, मतलब हाइपोथेटिकल है कि जो अपने मतलब भगवान है ना वो बहुत ऊपर रहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ऊपर वाला देख रहे हैं, तो ऊपर क्या है ना स्पेस में कहीं रहते हैं वो, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो उनके यहाँ पे जो एक साल होता है ना तब तक अपने 1,000 साल हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है वो अभी भी जिंदा हैं, और तब तक ऐसे मिलियंस ईयर हो गए, मिलियंस ईयर निकल गए, लेकिन वो तो अभी 25-26 साल के ही हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जो हैं वो अभी तक जिंदा हैं, मस्त चल रहे हैं, ऐसा देखा होगा तुमने, ऐसे एक कहानी सुनी होगी कि सिर्फ क्या कहते हैं अभी तक 30 साल के ही थे, 30 के थे, उससे भी कम थे, तब तक उनकी 3-4 वाइफ एक्सपायर हो गई, फिर दोबारा दूसरी लड़की आई वो शादी कर ली, तीसरी लड़की आई वो भी शादी कर ली, और वो उनका एज उतना ही था, वो मर ही नहीं रहे थे, अमर टाइप का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। तो क्या है ना वो यहीं से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लोग बताते हैं कि वो भी है कि ऊपर क्या है ना कि ऊपर बहुत स्लो टाइम चल रहा है, टाइम बहुत स्लो हो गया है, और नीचे टाइम काफ़ी फास्ट चल रहा है। ओके तो यही जो चीज़ हमने देखी ना कि टाइम ऊपर स्लो है और नीचे टाइम फास्ट है, जो टाइम का डिफरेंशिएशन है, एनामोली है जो टाइम की, उसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पर टाइम है वो बहुत स्लो और नीचे टाइम वो बहुत ज़्यादा फास्ट है अर्थ पे, और ऊपर टाइम बहुत स्लो है, इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। ओके लेकिन एक दिक्कत है, अभी हम इसको ऊपर घुमाएंगे ना मान के चलो, तो क्या होगा कि इसका हाइट कम हो जाएगा, एज तो इसका कम नहीं होगा लेकिन इसका हाइट कम हो जाएगा, फिर ये इतना छोटा हो जाएगा, लेकिन लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, ये यंग होगा, ये 25 का था, ये 30 का ही होगा, लेकिन इनकी मोहतरमा तब तक 70 साल की हो गई होंगी, ऐसे हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ये यंग होगा और ये एकदम बूढ़ी हो गई होंगी, तब तक थोड़ा बूढ़ी कर देते हैं इनको, ये इनका फेस पूरा खराब हो गया, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई होंगी, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि उधर एज कम होता है, मतलब स्पीड बहुत कम रहती है टाइम की, और इधर अपने अर्थ पे स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हाइट थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, श्रंक हो जाता है वो, तो यही आपकी रिलेटिविटी की थ्योरी है कि जब हम किसी को भी बहुत ज़्यादा स्पीड पर मूव कराते हैं, या फिर जहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है दो फेनोमेना होते हैं, एक एज का और एक हाइट का, एज कम हो मतलब बहुत ही स्लो हो जाती है जिससे कि बहुत कम एज रहती है, और दूसरी चीज़ उसकी हाइट श्रंक हो जाती है, वो छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ थी, तो टाइम डायलेशन हम समझ गए, तो टाइम डायलेशन क्या है कि जो अपनी डिफरेंस हो रहा है एज में, ठीक है ना, वही टाइम डायलेशन है। तो ये क्वेश्चन क्या है वो, सॉरी आर्टिकल क्या वो देखते हैं, इन्होंने कहा है कि जो साइंटिस्ट हैं वो रिसेंटली ऑब्जर्व किए हैं कि क्लास ऑफ ब्लैक होल्स, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ भी ब्लैक होल होंगे ना वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा बहुत हाई होगा, तो उसके आसपास जब भी कोई चीज़ होगी तो उसकी एज क्या होगी बहुत ही स्लो चल रही होगी, लेकिन उसकी हाइट डिक्रीज हो रही होगी, तो ये तो बात आप समझ गए। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है क्वासर्स, तो अभी ऐसे पूछ सकता है कि सम टाइम इन न्यूज क्वासर को, जैसे उसने क्यूबिट को पूछा हुआ था, क्यूबिट वो सुपर कंप्यूटर से लास्ट के 2022 में, तो आपको ध्यान रखना बराबर, ऐसे वो पूछ लेगा आपको क्वासर क्या है, तो ध्यान रखना है जो एक ब्लैक होल्स होते हैं ना उनकी एक क्लास होती है, उसी को हम क्या कहते हैं क्वासर्स, मतलब ब्लैक होल जहाँ होते हैं ऐसे इकट्ठे, तो उसी को हम क्या कहते हैं क्वासर्स, तो ध्यान रखना है इसे, क्वासर्स क्या है ब्लैक होल्स की एक क्लास। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्लास ऑफ ब्लैक होल्स डेमोन्स्ट्रेटिंग टाइम डायलेशन इन अर्ली यूनिवर्स, तो टाइम डायलेशन आप समझ चुके हो कि वो एज के हिसाब से जो कुछ चलता है, जैसे ये देखो आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी एंड योर एज, आइंस्टीन ने बताया था कि यू एज वेरी स्लाइटली स्लोअर और फास्टर एट ए प्लेस विथ स्ट्रॉन्ग वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड, वही मैं बोल रहा था जो अभी मैंने आपको सिखाया कि स्लोअर हो सकती है और फास्टर भी हो सकती है, स्लोअर कहाँ होगी, या तो आपकी स्पीड बहुत हाई हो या फिर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत हाई हो, तो इन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग और वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू योर डिस्टेंस फ्रॉम द मासिव ऑब्जेक्ट, तो अब क्या है जैसे जुपिटर है तो जुपिटर पे क्या है आपकी एज 18.4 सेकेंड माइनस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसका स्पीड काफ़ी तेज़ है रोटेट करने का, मून पे आपकी बढ़ जाएगी एज, प्लस हो जाएगी 6 मतलब 629 मिली सेकेंड्स। ओके क्यों, क्योंकि उधर क्या
है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है। हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में 10th में 1/6 रहता है, तो वो रोटेट भी थोड़ा धीमे करता है। तो इसके चक्कर में क्या है कि आप इजीली वहाँ पे बड़े लग जाओगे। अभी यहाँ पे 30 साल के हो तो वहाँ शायद 32 साल के हो जाओगे जाके, ठीक है ना। तो आपको समझ में आए एज का इम्पैक्ट, जो हमने पढ़ा अभी आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और वो एज, वो समझ में आ गया। अभी मैं इधर इन्होंने बताया कि टाइम डायलेशन क्या होता है, उससे पहले इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि अपना जो मिल्की वे है ना उसमें कोई क्वासर है, क्वासर मतलब जहाँ ब्लैक होल हो, तो वो नहीं है मिल्की वे में, कोई क्वासर्स नहीं है। क्यों? अभी कोई पूछे आपको सोलर सिस्टम में कोई क्वासर है, नहीं है। अभी ब्लैक होल बनते कैसे, तो आपने देखा ही होगा ना, और आप चाहे तो वो जून वाला मेरा वीडियो भी देख सकते हो, या फिर आप ये समझ लो कि जब भी कोई स्टार खत्म होता है ना तो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद ब्लैक होल बनता है। या तो उसका वो जो आपकी चंद्रशेखर लिमिट है ना 1.44 सन के हिसाब से, तो वो उससे को क्रॉस कर देते हो तो आप ब्लैक होल बनोगे। यदि आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाते हो तो आप ब्लैक होल नहीं बनोगे। तो अपना जो सन है ना वो ब्लैक होल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ मेरे को, सन ब्लैक होल बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, उसकी औकात नहीं है। क्यों? चंद्रशेखर लिमिट कहती है सन के 1.44 टाइम्स, सन के 1.44 टाइम्स हो तब ही ब्लैक होल बनेगा। तो सन तो ये बन ही हुआ ना, इससे तो 1.5 गुना ज्यादा पूछ रहा है ये, 1.5 गुना होगा तब बन पाएगा। तो सन तो नहीं बन पाएगा ब्लैक होल, क्यों? क्योंकि वो सन तो बहुत कम है ना। तो आप समझ गए होंगे क्या लगता है कि सन बनेगा, तो आप ध्यान रखना कि सन नहीं बन सकता ब्लैक होल। तो ये टाइम डायलेशन क्या है, तो टाइम डायलेशन हम समझ सकते हैं टाइम पासिस एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। वही मैंने बोला था ना, अलग जगह पे कहीं पे स्पीड उसकी बहुत हाई है और कहीं पे उसकी स्पीड बहुत लो है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन। तो टाइम पासिस एट डिफरेंट रेट और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव मोशंस, और मोस्टली वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करता है। आइंस्टीन की थ्योरी टाइम डायलेशन इज ए कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ना आइंस्टीन की, उससे ही टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट निकाला गया था, जो हमने अभी आपको सिखाया। मैंने आपको आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी भी सिखाई, वो दो चीज़ें एज और हाइट वही है। तो द थ्योरी शो टाइम एंड स्पेस आर इंटरवर्ड, टाइम और स्पेस हैं वो एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, एकदम सोना बाबू टाइप आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, अलग ही नहीं हो सकते, ठीक है ना। और यूनिवर्स हैज बीन एक्सपेंडेड आउटवर्ड इन द ऑल डायरेक्शन ऑफ द सिंस द बिग बैंग। और जो अपना यूनिवर्स है ना वो पूरा इधर उधर इधर उधर इधर चारों साइड में एक्सपेंड कर रहा है, मतलब फैल रहा है, ठीक है ना। कब से? जब से बिग बैंग हुआ है। वो आपने ना ज्योग्राफी की 11th क्लास की, आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उधर है वो गुब्बारे वाला, ऐसा गुब्बारे पे डॉट बना देता है, फिर गुब्बारा फूलेगा तो ये डॉट बड़े होंगे, तो उन्हीं डॉट्स में से गैलेक्सी अपना वही बड़ा होगा, ठीक है ना। अभी वो टाइम डायलेशन का क्या सीन चल रहा है, तो वो अपने हमने सीख लिया पहले, तो इसमें कुछ खास बात है नहीं, क्योंकि तो हमें कॉन्सेप्ट पता है। अभी कुछ ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं, अभी तक तो हम लोग टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? देखो, ऐसा कोई होल होता है जो काला होता है, अभी देखा किसी ने नहीं है तो मतलब कुछ ऐसे इसके फोटो आए, तो ये एकदम काला होता है, तो काले पेंसिल से बना देते हैं, मजा ही लेना है इसको। तो ये ऐसा कोई ब्लैक होल होता है, देखो ये एकदम काला रहता है, ओके। अभी इसका एक रेडियस दिख रहा होगा तुम्हें, ये लास्ट वाला लाइन इवेंट हॉरिजन बोलते हैं जैसे। इवेंट होरिजन क्या है? एक लास्ट लाइन है, मतलब एक रेडियस है जिसके अंदर आप एक बार चले गए ना फिर आप वापस नहीं आ सकते। क्यों? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि मान के चलो इधर से लाइट आ रही है, रेज सनलाइट, वो सीधी होती है, वो भी इधर से मुड़ जाती है। ये वो अमिताभ बच्चन टाइप है, अपन जिधर खड़ा हो जाता है लाइन उधर से शुरू हो जाती है। तो इधर ही इसका है, इधर से निकले तो फिर आपको दुआ सलाम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको झुक जाना पड़ेगा। ये मतलब मैं सिंपली समझा रहा हूँ आम भाषा में। तो मुद्दे की बात यह है कि इधर से क्या है ना, इधर कोई भी लाइन मतलब सन रे भी इतना ग्रेविटेशनल वेव है कि वो टर्न हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव बहुत ज्यादा, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो रेडियस है उसे हम क्या बोलते हैं, आपको बताना चाहिए, इवेंट हॉरिजन, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने वही बात बताई जो मैंने बताई, ग्रेविटेशन पुल्स सो मच
इवन लाइट कैंट गेट आउट। अभी इधर कुछ लाइट है तो ये बाहर जा सकती है, तो बोलोगे भाई ये बाहर जाए चली ही जाती बाहर, तो यहाँ फोल्ड क्यों होके डली होती? यदि ये बाहर जा सकती थी तो यहाँ फोल्ड होके क्यों आती? बाहर तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, नो चांस। ठीक है ना, इवन आपके एक्स के वापस आने का चांस है, लेकिन ये लाइट के बाहर जाने का चांस नहीं है। ऐसे करके याद कर सकते, लाइट बाहर नहीं जाएगी। ठीक है ना, दिल पे नहीं मैंने कहा, जस्ट किडिंग। तो आप समझ गए कि इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि वो लाइट अंदर फोल्ड कर जाती है, फिर वो बाहर नहीं जा पाती है। कोई भी चीज़ आ जाएगी तो वो इसके अंदर ही चली जाएगी, यदि वो क्रॉस कर जाती है इवेंट होरिजन। इवेंट होरिजन इधर मान के चलो लक्ष्मण रेखा है, वो रामायण की, ठीक है ना, कि वो इधर इससे अंदर कोई चला गया तो फिर वो भस्म हो जाएगा। इधर भस्म होता है क्या होता है वो किसी को पता नहीं, लेकिन जाता अंदर है। मेरे को लगता है यही कह दो कि भस्म हो जाए, क्योंकि वो वापस तो आएगा नहीं कभी। तो वो लक्ष्मण रेखा है ना, वही मुझे को लग रहा है इधर से ही कहीं कॉन्सेप्ट, या लक्ष्मण रेखा से ही लोगों ने कॉन्सेप्ट चुरा है, ऐसा कह सकते हैं मजे के लिए, वैसे इसका कोई लेना देना नहीं। ओके, याद करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि जो अपना स्टेज होता है वो टिनी टिनी छोटे छोटे पार्ट्स में हम कुछ भी चीज़ देखेंगे तो इधर जाती हुई दिखाई देती है। अभी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लैक होल का, वो अभी हम बता चुके हैं कि मोस्ट ऑफ ब्लैक होल जितने भी हैं अब तक, उसमें लार्ज स्टार्स होते हैं, जब वो मरते हैं तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और उसके बाद वहाँ पे हमने देखा था शेकर लिमिट लगाई जाती है 1.44 टाइम्स ऑफ सन, यदि उनका मास है तो वो क्या बनाएंगे, ब्लैक होल। तो चंद्रशेखर सर ने ये लिमिट दी थी। तो अपना सन है, क्या ब्लैक होल बनेगा? नहीं बनेगा, इसका औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा ना चंद्रशेखर लिमिट 1.14 टाइम्स, तो मतलब है कि ये अपने आप का 1.5 गुना हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो फिर ये नहीं बनेगा। अदर फीचर्स क्या है इसके? इंडिविजुअल होता है ये, मतलब दिखाई नहीं देता है, कभी कभी बड़ा कभी छोटा ऐसा चलता रहता है। अभी ये अपना सोलर सिस्टम में कोई ब्लैक होल है तो वो बोलेंगे कि ज़्यादा नहीं है कोई, सॉरी मैं कहूँ ज़्यादा कोई ब्लैक होल नहीं है, ऐसा लोग छानबीन करते रहते हैं। अभी थोड़ा इसके ब्लैक होल के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। ये इसका रेडियस है, जिसे हम इवेंट हॉरिजन कहते हैं। इसका एक सेंटर होता है, जैसे हम लोग अर्थक्वेक पढ़ते हैं ना, आपने पढ़ा होगा अर्थक्वेक बच्चा लोग, तो अर्थक्वेक का भी एक सेंटर होता है, तुमने देखा होगा कि बीच में जिसको क्या कहते हैं, आप लोग मेरे कमेंट में बताओ। तो ब्लैक होल का जो एक सेंटर होता है ना, बिल्कुल बीच है बीच में केंद्र बिंदु, उसको सिंगुलरिटी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, इवेंट हॉरिजन क्या है आपकी रेडियस है, और सिंगुलरिटी क्या है आपका जो अपना सेंटर है वो है, बाकी ये कोई चीज़ अपने काम की नहीं। ये दो चीज़ बराबर आपको याद रखनी है, क्योंकि क्योंकि इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। अभी वापस आते, तो हमने क्या देखा अब तक? हमने देखा था कि टाइम डायलेशन क्या है, तो हमने सीख लिया टाइम डायलेशन क्या है, तो अपन बराबर सीख गया। टाइम डायलेशन वो एक वो डिफरेंस रहता है ना, कहीं टाइम का स्पीड हाई होता है और कहीं टाइम का स्पीड स्लो होता है। जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ टाइम स्लो हो जाता है, और जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता है वहाँ पे आपका स्पीड, सॉरी कहते हैं टाइम है, वो स्पीड पकड़ लेता है। तो ध्यान रखना है आपको हमेशा, जो है मैंने टाइम बोला था कि एज, वहाँ एज होगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं गलत बोला था। तो आपको ध्यान रखना है एज और ग्रेविटेशन फील्ड की सब कुछ जो संबंध है उसको, ठीक है ना। तो टाइम डायलेशन हमने अच्छे से समझ लिया, तो आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी भी हमने पढ़ी, ब्लैक होल भी हमने सीखा क्या है ब्लैक होल, वो कैसे अंदर बाहर जाता है अपना वो एक्स, और फिर लाइट बाहर नहीं निकलेगी, क्या सन बनेगा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, वो हमने चंद्रशेखर लिमिट सीखा। डिटेक्शन, अभी डिटेक्शन कैसे करते हैं ब्लैक होल का, इस पर थोड़ा बहुत जानते हैं। कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, भाई देखो मुद्दा क्या है, ये मान के चलो ब्लैक होल है, ओके ये दिखाई नहीं देता है यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये दिखाई नहीं देता है। ये दिखाई नहीं देगा तो ऑब्जर्वेशन भी इसका करना काफ़ी टफ है, जब कुछ दिखाई नहीं देगी तो ऑब्जर्व कैसे करोगे, कैसे करोगे? दो चीज़ें हैं, ऐसे कर सकते हो कि इधर से कोई लाइट भेजो और वो लाइट जाए और टकरा के वापस आ जाए, ठीक है ना, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ है, लेकिन होता क्या है कि लाइट जाती है फिर वो वापस तो आती नहीं, तो अपन को लगेगा कि इधर कुछ है ही नहीं है क्योंकि लाइट जा ही रही है, तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ नई टेक्निक बनी और उनसे थोड़ा बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इन्होंने बताया कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बिकॉज दे देमसेल्फ डू नॉट एमिट और रेडिएट लाइट, वो मैंने बताया ना कि लाइट जाती है वो वहाँ से वापस नहीं आती है, एमिट ही नहीं करते क्योंकि लाइट को खुद ही ले लेते हैं।
एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ भी वापस नहीं आता है, बट एरिया जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल, जो इवेंट हॉरिजन होता है उसके बाहर वाला, ये वाला एरिया जो है, मान के चलो ये इवेंट हॉरिजन हुआ होगा ना, लास्ट में दूसरे कलर से करके देता हूँ, ये इवेंट हॉरिजन रहा होगा, इसके इधर उधर का जो एरिया है, इधर सब माल बराबर रिफ्लेक्ट होता है, तो इधर तक का एरिया बराबर पता चलता है, यहाँ से आएगा यहाँ, मान के चलो यहाँ से आई तो यहाँ वापस जाएगी, लेकिन इसके अंदर वाला वापस नहीं आएगा, वो एरिया सब कुछ बता देता है, तो वो विजुअल भी होता है, तो उधर सब कुछ चलता है। तो आई होप आप टाइम डायलेशन भी समझ गए, और ब्लैक होल में कुछ था ही नहीं खास, तो वो भी समझ गए। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल के कितने जात के होते हैं, तो ब्लैक होल कितनी जात के होते हैं वो अपन को जानना है क्या, कोई हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको चुल है तो आप इसको जाके पढ़ो कि कौन सी जात का होता है, बाकी वो क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें अब तक पूछी यूपीएससी ने, हम उसी के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस बात का मैं प्रमाण हूँ खुद, क्योंकि मैंने साइंस एंड टेक में काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है, तो हर एक चीज़ को नहीं पढ़ने का और हर बाल की खाल नहीं निकालने का। तो ये क्वेश्चन है ना, अभी इधर से मैंने एक PYQ देखा था, पूछा गया था, तो मैं उधर उसे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। द टर्म इवेंट ओरिजिन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन न्यूज। अभी एक किस जात के जो ये टर्म्स हैं, इवेंट ओरिजिन, सिंगुलरिटी, अभी ये तो तुमने नहीं पढ़े, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये कुछ अलग चीज़ के लिए हैं, तो ये दो पढ़े हैं आपने, ये किससे रिलेटेड हैं, ये पूछ रहा है कि समटाइम इन न्यूज, देखा ना आपने। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने के लिए नहीं, आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए दिखा रहा हूँ, क्या इधर वो पूछ रहा है घुस घुस के कि कितनी जात का वो बन रहा है ब्लैक होल, ब्लैक होल की दाएं क्या होता है, बाएं क्या होता है, ब्लैक होल के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सब कुछ नहीं पूछ रहा मेरे भाई, वो सरल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या होते हैं, हम जानते हैं इवेंट ओरिजिन क्या, वो लक्ष्मण रेखा याद कर लो आप, मतलब उसके नीचे चले जाते हैं, जो ब्लैक होल होता है उसका रेडियस होता है, सिंगुलरिटी उसका सेंटर, अर्थक्वेक का सेंटर की बात की थी तो इसके, ठीक है ना, उधर कुछ जाता है तो सेंटर की तरफ तो वापस नहीं आता है, इवन आपका BF आ सकता है, GF आ सकती है, आपके X आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ में था, वो किससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में जानना है हमें। ऑरिजिन एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज ऑन द अर्थ, अरे भाई ऐसा कुछ ऑरिजिन और क्या कहते हैं, जो भी एवोल्यूशन हुआ है कोई अर्थ का, इसके बारे में कुछ पता है, सॉरी ये है ऑरिजिन एवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ है क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं है। प्लेसिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिटर, सैटेलाइट की भी बात ही नहीं कर रहे। स्टडी ऑफ द सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, इक्लिप्स की बात हो रही है क्या, नहीं। ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स की तो हो रही है ना भाई, क्यों, क्योंकि ये सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स में ही आता है, मोस्टली ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, ब्लैक होल यूनिवर्स में आता है ना, उसका पार्ट है, सिंपल हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसमें कुछ बड़ा तीन नहीं मानना था, तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो ये ब्लैक होल पूरा कवर हो गया, हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। नेक्स्ट है न्यूट्रीनो पार्टिकल, अभी ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, आपके बताओ कि मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या मेंस में आएगा, मैं आपको पूछूं तो आंसर है नहीं, कि वो न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या होते हैं, इनके फीचर्स बताओ, चैलेंजेस बताओ, कुछ क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बनेगा भाई, यही हमें सीखना है, ये हम सीख गए ना तो हम एक असली एस्पिरेंट हो जाएंगे, सिलेक्शन अपन के हाथ में नहीं है, लेकिन एस्पिरेंट अच्छे बन सकते हैं ये अपन के हाथ में, ठीक है ना, अपन लोग अच्छे पंटर बनेंगे, ठीक है ना, UPSC के, तो ये मेंस में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेंस में ना कुछ ब्रॉड टॉपिक पूछते हैं जिसमें कुछ चार बातें निकल सकें। PT में आएगा, हाँ PT में इतना पूछ सकता है कि न्यूट्रॉनो क्या होता है, या उसका कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी मिल जाए, जैसे क्यूबिट मिल गया उसे सुपर कंप्यूटर में, ठीक है ना, अभी हम ऊपर देखे थे कि ब्लैक होल का क्लास होता है, ऐसा कुछ कीवर्ड मिल जाएगा तो उसको हम बराबर याद करेंगे। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि भाई अभी जो अपना एक ये है आइस क्यूब न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी है ना, उसने कुछ मिल्की वे में न्यूट्रॉनों को डिटेक्ट किया है, ऐसा कुछ उससे लेंस में कुछ आ गया है, तो फिर इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो जो अपनी आइस क्यूब न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी है ना, उसने मिल्की वे में क्या किया है कि कुछ न्यूट्रॉनों के पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है ना अभी इम्पोर्टेंट है, तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है अबाउट आइस क्यूब न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखे रखो कि ये किधर है, काय को है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो, बाकी मैं अभी थोड़ा बोल दूंगा अबाउट न्यूट्रिनो। तो ये जो न्यूट्रिन्स होते हैं ना, ये क्या है, तो जो न्यूट्रिनोज होते हैं ना, इनके बारे में जानोगे तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं,
फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो वो हम लोग फंडामेंटल फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली फंडामेंटल फिजिक्स के थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स है और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, इन सब बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जब पीटी के लिए कोर्स में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। वही फ्री होगा तो चिंता मत करो। तो फंडामेंटल पार्टिकल है ये, लेकिन ये एटम का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, बस सो दे कांट ब्रोक डाउन इंटू स्मॉलर पार्ट्स। फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं वो ये होते हैं, उनका डेफिनेशन ये होता है कि ये उससे ज़्यादा तोड़े नहीं जा सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ये, इससे ज़्यादा इन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता। मान के चलो ये कोई पार्टिकल है, इसको ब्रेक किया ये बना, 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 ये अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इसे कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, ये और ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता। ओके, अब ये की करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसके, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रेवल ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ द इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा ना एकदम लाइट जैसा चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो मतलब लाइट जैसे चलता है, और हमेशा लाइट की तरह ना स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऐसा ऐसे घूम के मौज लेता हुआ नहीं चलता, लहराता हुआ। रेयरली इंटरेक्ट विथ अदर मैटर्स, देयरफॉर ऑल्सो रेफर्ड एज गोस्ट पार्ट। हाँ, अपन को एक कीवर्ड मिल गया, ऐसे कीवर्ड की हमेशा ज़रूरत है जो हमारे पेपर में आए। तो अभी ये घोस्ट पार्टिकल इसे क्यों कहते हैं, पहला क्वेश्चन। तो घोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं, हमें पता चल जाएगा ना तो हम याद कर पाएंगे कि न्यूट्रिनो को घोस्ट, न्यूट्रोन ही घोस्ट पार्टिकल है। घोस्ट क्या होता है, ये भूत, ठीक है ना। अब भूत क्या होता है कि ऐसे चुपके से कहीं से भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप इधर खड़े हो, ठीक है ना, ओके, भाग रहे हो, मतलब खड़े नहीं हो, भाग रहे हो जैसा चित्र बन गया, तो ठीक है ना, आपके बाजू से भूत निकल जाएगा सा, ठीक है ना, आपको पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा भाई, यदि वो सामने खड़ा हो जाएगा तो, ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का है, समझने के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। अब भूत के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, कुछ भी हो सकता है, एकदम मैं भी नाइट में शूट कर रहा हूँ, तो भूत आपके आजू बाजू ही घूम रहा हो, क्या पता आप यहाँ बैठे हो, तो वो आपको पता नहीं चलता जब तक वो डिलीवरेटली आपके पास दिखना नहीं चाहता है। तो जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक वो पता नहीं चलेगा, अभी वो आके आपके सामने ही खड़ा हो जाएगा, ये भूत नहीं बना देते, ठीक है ना, तो फिर आपको बराबर दिखेगा, ओके। लेकिन आप उसे, मतलब वो दिखना नहीं चाहता आपको, तो फिर वो नहीं दिखेगा। तो यही वाली बात ये कहते हैं कि ये रेयरली इंटरेक्ट करता है किसी से भी, किसी मैटर से ये इंटरेक्ट ही नहीं करता है, इसीलिए इसे घोस्ट पार्टिकल कहते हैं। मतलब जब कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा तो चुपचाप रहेगा, तो वो घोस्ट की तरीके से रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सॉरी, घोस्ट पार्टिकल। तो ध्यान रखना है न्यूट्रिनो को ही क्या कहते हैं, घोस्ट पार्टिकल। और ये किसके हिसाब से चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है, सीधी लाइन में। तो ये आउट एंड ऑल एटम्स आर यूनिवर्स, ये कुछ हमें याद नहीं करना, ओनली अफेक्टेड बाई ग्रेविटी एंड वीक फोर्स। ये अफेक्टेड किससे होता है, तो ग्रेविटी से अफेक्टेड होता है, और वीक फोर्स मतलब ग्रेविटी ही वीक फोर्स है, तो ग्रेविटी से ही अफेक्टेड होता है। ग्रेविटी से तो अच्छे अच्छे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, ये भी होता है। कितनी जात के होते हैं, तो उन्होंने बताया तीन जात के होते हैं, तो वो अपने काम के लिए। सोर्स ऑफ न्यूट्रोनो, ये किधर किधर से एमिट हो सकते हैं, तो अपनी गैलेक्सी में इधर ये मिलते हैं, कॉस्मिक रे हो जाता है, जो स्टार्स हैं जैसे सन है, ये लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ऑन अर्थ, अर्थ पे भी होता है, मतलब प्लानिट भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस व्हेन अनस्टेबल एटम डिके, कोई भी जो अनस्टेबल एटम है ना वो जब खत्म होता है तब ये बनते हैं। और ये क्रिएटेड बाई पार्टिकल एक्सलेट एंड हाई स्पीड पार्टिकल कॉलिजन, अभी जब दो पार्टिकल्स का बहुत सारी स्पीड पे कॉलिजन होता है, टक्कर पे, टक्कर में ये लोग निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। इवन बनाना एमिट न्यूट्रॉन से, जो अपना बनाना होता है ना केला, वो भी इनको एमिट करता है, ठीक है ना। अब ये डिटेक्शन कैसे होता है इनका, तो डिटेक्शन जो भी, जैसे भी डिटेक्ट किए जाते हैं ना, वो मोस्टली क्या है ना कि ये जो इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल्स इन द आइस थ्रू द वीक फोर्स एंड इन टू टर्न माउंस इलेक्ट्रॉन एंड टाउस, क्या होता है कि जैसे ये आइस है, तभी तो आइस क्यूब जो ऑब्जर्वेटरी का नाम है, क्योंकि आइस से ही होते हैं, कि जैसे ही आएंगे ना, वीक फोर्स होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आके टर्न हो जाते हैं, या तो वो माउंस बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, टाउस, तो वहाँ पे उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही सब कुछ चल रहा है। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखे न्यूट्रोनो पार्टिकल क्या होते हैं, तो हमने देखे फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो, और उनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, तो करेक्टरिस्टिक स्पीड चलते हैं सन की से, और काफ़ी सीधे चलते हैं, घोस्ट पार्टिकल कहते हैं उन्हें, ग्रेविटी से,
ये मुड़ जाते हैं, एमिट कहाँ होते हैं, गैलेक्सी में, सन में, प्लानेट में, और प्लानेट के ऊपर बनाना के साथ। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूएन एड्स ग्लोबल एड अपडेट 2023। अभी क्या है, ये क्वेश्चन किधर आएगा अपने लिए काम का है, तो उसी हिसाब से ना हम लोग फोकस करेंगे ना रोटी पे, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, तो उधर हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिधर से रिटर्न मिलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यदि आप हमेशा उस पर ज़्यादा टाइम लगाओगे जिसको ज़्यादा जो रिटर्न देगा, आप ऐसे फर्जी टाइम लगा रहे हो बिना एवोल्यूएट करे कि हाँ रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर मेरे को लगता है वो स्मार्ट वर्क नहीं है। आप किसी भी वर्क में, इवन नॉट स्टडी, इवन पर्सनल लाइफ, और भी कोई भी काम करते हो, कोई अलग धंधा करते हो, उसमें भी आपको हमेशा रोटी पे फोकस रखना चाहिए, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, और दूसरी वाली रोटी पे भी रखना चाहिए, क्योंकि जब भरपेट खाओगे नहीं तो फिर ज़िंदगी में क्या करोगे। तो यूएन एड्स ग्लोबल एड अपडेट, अभी ये एड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन मतलब डेटा है, तो ये पीटी में आ सकता है, मेंस में आएगा क्या? नहीं भाई, मेंस में डायरेक्ट नहीं आएगा, इधर से कोई फॉर्डर पॉइंट मिल जाएगा हमें मेंस में लिखने के लिए, वो हम ज़रूर कलेक्ट करेंगे, लेकिन मेंस में इसका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। पीटी में क्या बनेगा, बेसिक कोई बात पूछेगा एड्स से रिलेटेड, तो वो तो हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं एड्स के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ सोना बाबू टाइप लोग जो नहीं पढ़ पाए होंगे, बिजी रहे होंगे एक दूसरे में, तो उनके लिए मैं थोड़ा यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँ। ये न्यूज़ में काई को है, ये क्या दिक्कत हो गया, जो यूएन एड्स रिलीज द पथ ऑफ द एंड एड्स रिपोर्ट, अभी इन्होंने एक रिपोर्ट मतलब सबमिट किया, उसमें इन्होंने बताया कि एचआईवी मतलब है ना वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब थम रहा है, एचआईवी जो है वो थम रहा है, मतलब द नंबर ऑफ एचआईवी इन्फेक्ट जो इन्फेक्शंस हैं जिन भी पेशेंट्स में वो कम हो रहे हैं, जो भी इन्होंने कुछ पीछे के 10-15 साल या फिर जो भी साल से एक बेस डेट तैयार की होगी, बेस ईयर, उसके हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी थम रहा है एड्स है वो। अब ये थम क्यों रहा है, तो ये तो आप खुद जानते हो कि लोग थोड़े से अवेयर हो गए होंगे, लोग जो निडल होती है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, जब भी कोई सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है तो कुछ प्रोटेक्शन ले रहा होगा, ठीक है ना, लोग ऐसे ही किसी को मतलब ब्लड डोनेट नहीं करते होंगे, या फिर ब्लड जो भी डॉक्टर रहा होगा ब्लड को अच्छे से चेक करता होगा, उसके बाद किसी दूसरे को देता होगा, यही सब चीज़ें जिनकी वजह से हो रहा था वो कम कर दो तो कम हो रहा है, सिंपल, जो मैंने बोला ना चैलेंजेस होते हैं वही क्या बनते हैं सॉल्यूशन, इस बात पे तो हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर रखी है पिछले 2-3 मतलब मंथ में। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो अभी क्या डिक्रीज हो रहा है, अब ये डिक्रीज हो रहा है तो फिर जो अपना SDG है ना 3.3 एंडिंग ऑफ द सॉरी 3.3 ऑफ एंडिंग द एड्स एज ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाई 2030, तो ये अपना फोर्डर पॉइंट मिल गया, मैंने कहा था ना ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फोर्डर पॉइंट कहीं से भी निकाले जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब भी कभी हेल्थ के बारे में बातचीत पूछी जाए, अब हेल्थ कहाँ कहाँ पूछा जाता है, पेपर फर्स्ट में, ठीक है ना, हेल्थ का है ना सोसाइटी, सोसाइटी में हेल्थ के बारे में, पॉवर्टी हेल्थ के बारे में एक टॉपिक है सिलेबस में, सेकंड सोशल जस्टिस, उसमें तो पूरा सोशल जस्टिस में होता क्या, तीन ही तो है, एजुकेशन, पॉवर्टी और हेल्थ, उधर आप कहीं पे भी लिख सकते हो, जहाँ भी हेल्थ के बारे में पूछे तो बोलोगे कि HIV इन्फेक्शन थम रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। वो किसने बताया कि वो अभी यूएन एड्स जो है ना यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV या एड्स, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया, तो ये SDG 3.3 को भी फुलफिल करने का कोशिश कर रहा है 2030 तक। तो अभी कितना कम हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा जानना चाहते हो तो जान लो, नहीं तो मुझे लगता है कि बेसिक हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद ये सब मगजमारी करेंगे। तो बेसिक क्या है, हम लोग क्लास 7th 8th से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बच्चा ये बेसिक्स के लिए बैठेगा, यदि लगता है आपको कि आप बेसिक जानते हो तो आप थोड़ा आगे बढ़ के देख सकते हो। तो एड्स किसके थ्रू हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, कोई भी सलाइवा एक्सचेंज होता है 2 पर्सन्स में तो एड्स हो जाएगा, या फिर ब्लड के थ्रू हो सकता है, यदि किसी पर्सन ए का, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है ना, तो ये ए है मतलब अमन, ये बबली, ठीक है ना, तो मैंने शॉर्ट में लिखा था इसलिए, ए और बी यदि ये किसी प्रकार से ना सलाइवा एक्सचेंज करते हैं तो एड्स एक दूसरे के रूप मतलब एक दूसरे को हो सकता है, यदि एक दूसरे में किसी प्रकार से ब्लड को शेयर करते हैं तब भी हो सकता है। अभी ब्लड और सलाइवा का शेयरिंग का माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे अलग अलग तरीकों से ये ब्लड शेयर किया जा सकता है और सलाइवा शेयर किया जा सकता है, यू नो
आप सब जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले इसके सिम्टम्स देखते हैं, फिर देखेंगे ये फैलता कैसे। तो सिम्टम्स में क्या है, इधर वो आपको फीवर रहेगा, चिल्स मतलब ठंड लगती रहेगी हमेशा, सर्दी जुकाम रहेगा, हेडक रहेगा, नाइट में जब आप सो रहे होंगे तो आपको टपाटप पसीना आ रहा होगा, सो थ्रॉट रहेगा मतलब गले में, मसल्स एचिंग एंड पेन रहेगा, आपके मसल्स में पेन रहेगा हमेशा, जॉइंट्स में पेन रहेगा, फटीक रहेगा, आप हमेशा थकान फील करेंगे, आपके जो लिम्स होंगे नोट्स मेनली ऑन नेक, तो उधर वो आपकी स्वेलिंग आ सकती है मतलब सूज जाएंगी, माउथ अल्सर, फिर आपको छाले होंगे। अभी ये सिम्टम्स पढ़ते वक्त ना आपको स्ट्रेस नहीं लेने का है, मेरे को हंसी इसलिए आया, इसमें से तीन या चार तो आपको सिम्टम्स मिल गए होंगे, तो आपको डरना नहीं है। जैसे देखो माउथ में अल्सर, ये तो किसी को भी हो जाते हैं, मेरे को भी हो जाते हैं, हम पूरे दिन पढ़ते हैं तो फटीग भी होता है, ठीक है ना, हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, अभी मैंने कल मेंस का वो सॉरी फुल मॉक लिखा था, तो उसमें क्या था कि वो हाथ में दर्द भी हो रहा था, फीवर भी आता है हम लोगों को कभी कभी, अभी मौसम चेंज हो रहा है तो चिल मतलब ठंड भी मतलब सर्दी भी हो जाती है, हेडक रहता ही है मोस्टली टाइम हम लोगों को, अभी नाइट में पसीना आता है क्योंकि हम हमारे कभी कभी रूम में फैन नहीं चलता, अभी जब मई जून था इतना गर्मी था अपन के पास, तो मतलब एसी नहीं है तो फिर वो पसीना आएगा ही, ठीक है ना, ये सब एक साथ होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए भाई, तब एड्स के सिम्टम्स बनते हैं, ये अलग अलग फोड़ फोड़ के होते हैं ना तो नहीं बनते हैं, ठीक है ना, प्रॉबली ये एक साथ होते हैं, पाँच छः होने चाहिए, जैसे अभी 1 2 3 4 5 10 हैं तो 5 6 होने चाहिए, तो आप टेंशन मत लो, गूगल से कभी भी ऐसा सिम्टम्स को लेके दवाई लेने निकलोगे ना तो हमेशा स्ट्रेस ही मिलेगा, तो चिंता नहीं करने का है, ये इन्होंने बताए यूएन ने तो वो मैंने आपको दे दिया। अभी फैलते कैसे, तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है ना, आप सेक्स करते हैं कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करते, तो वर्किंग इन हेल्थ केयर, आप उधर एड्स के पेशेंट्स को देख रहे हैं तो कभी सडन सलाइवा वलाइवा कुछ चेंज हो गया तो हो सकता है आपको, इंजेक्शन सॉरी इंजेक्टिंग ड्रग, पूरा आपने क्या किया कि वो ड्रग जिस नीडल से उसने दूसरे दोस्त ने लगाया और फिर वही आपने यूज कर लिया, तो फिर वो आपको हो जाएगा, इसलिए ड्रग ड्रग नहीं करने का, वो ब्लड ट्रांस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो एक दूसरे का ब्लड दे दिया, पहले वो हमने बताया था बबली अमन को, तो वो हो गया, अभी वो कोई मतलब बबली प्रेग्नेंट है और उसको मान के चलो एड्स था, तो उसके बेबी को भी हो जाएगा, ठीक है ना, इजीली। अभी ये चार पांच तरीके याद रखने के, वो सेक्स और सेक्स से होता है डेफिनेटली, कैसे भी सेक्स करोगे तो हो जाएगा, या प्रोडक्शन यूज नहीं करोगे तो, ठीक है ना, और आप हेल्थ केयर पे हो जाएगा, आप नेडल यूज करते हो मतलब किसी को हो गया वही सेम नेडल और ब्लड करते हो तो हो जाएगा, और आपके मेनली बच्चे को चला जाता है, तो आपको क्या कहते हैं आप वुमेन है और आपको एड्स है तो आपके बच्चे को हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका ही ब्लड उसमें जा रहा होता है। टच करने से क्या बबली अमन को छूती है तो हाथ पकड़ने से क्या एड्स हो जाएगा, तो आंसर है नो। एक दूसरे के साथ खाना खाने से हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा तो इज्जत से खाना खाओगे तो नेचुरल वे में, जैसे नेचुरल वे का मतलब है जैसे मम्मी पापा के साथ खाते हैं। किस करने से, ये दो क्वेश्चन है ना, ये मैं जब 8 9th में पढ़ता था ना मेरे को याद आ गए, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे ना जो गलत होते थे हमसे वो यही थे, किस करने से भाई, हल्की फुल्की किस करने से तो नहीं होता है, गाल पे कर दी वो किस नहीं पप्पी बोलते हैं, ठीक है तो नहीं होता है, अभी कोई इमरान हाशमी मर रहा है तो चांसेस हैं सलाइवा एक्सचेंज उनके, अभी कोई मच्छर खा लेता है तो हो जाएगा क्या, तो मॉस्किटो से नहीं होता है, जैसे मान के चलो बबली को मॉस्किटो ने खाया फिर अमन को खा लिया, तो क्या होगा, या अमन को बबली खा लिया, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मॉस्किटो क्या है ना, जब बाइट करता है तो एक एसिड छोड़ता है जिसकी वजह से अपने यहाँ अपने बॉडी पे ऐसा कुछ ऐसा गांठ सा बन जाता है, ठीक है ना, तो वो उसका पीएच काफ़ी कम होता होगा ना जो एसिड है, तो उससे वो मर जाता है बैक्टीरिया जो एचआईवी होगा वो, तो क्या है टॉयलेट सीट को यूज करने से, नहीं वो तो लाइब्रेरी में यूज कर लेते हैं लोग, तो उससे भी नहीं होता है, चिंता नहीं करने की है। अभी एक और क्वेश्चन था जो हमारी मैम ने मेरे को पूछा था तो मुझको आज दिन तक याद है, जैसे मान के चलो ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, ये गोलगप्पे बनाता है, ये इसका बाल्टी है क्या होता है सॉरी, इसमें इसने पानी भरा हुआ है और ये आप खड़े हुए हो इसके सामने, ठीक है ना, आपका हाथ फैलाए हुए हो आप दोनों इसके सामने, दे दे रे बाबा,
इसने क्या किया, इसमें डुबोया और निकाल के आपको दिया, लेकिन इसको एड्स है, क्या लगता है हो जाएगा इस सामने वाले आदमी को? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इधर से ना सलाइवा ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफर हो रहा है, ना ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, तो नहीं हो सकता। यदि ऐसे हो सकता है तो फिर वो टच करने से और आपको खाना खाने से और क्या कहते हैं हल्का फुल्का किस करने से हो जाता, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर सलाइवा को या ब्लड को ट्रांसफर होना चाहिए। अभी इसका इम्पेक्ट क्या है, मानो हमने पहले सिम्टम्स देख लिए, फिर सिम्टम्स के बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से होता है किस प्रकार से नहीं होता है। अब मान के चलो किसी पर्सन को हो गया है, जिन भी पर्सन को हो रखा है, तो उसके बाद ये क्या करता है, मतलब कैसे हमें परेशान करता है, वो चीज़ देखते हैं। हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड में 3 सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये क्या करता है, WBC के कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट WBC का पार्ट होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को हम कहते हैं मेमोरी सेल। क्या करता है टी लिम्फोसाइट, जैसे मान के चलो आपको मान के चलो डेंगू हो गया, सपोज दैट मान लो, तो वो क्या करेगा, डेंगू के आपके अंदर ना जो भी डेंगू को प्रिवेंट करने वाले एंटी सेल्स होंगे ना, वो बना देगा एंटी जो भी होगा, ठीक है ना। तो वो एंटी बना के रखेगा ना आपके जो भी एंटीबायोटिक्स होंगे, मतलब सॉरी एंटीबायोटिक बोल रहा हूँ मैं, जो भी आपको मान के चलो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या फंगस कुछ भी आपको अटैक कर रहा है, तो वो जब दोबारा कभी अटैक करेगा ना, तो उसकी मेमोरी आपके टी सेल्स में पहले से प्रिजर्व रहती है। सपोज दैट आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं समझाता हूँ आपको। 1 साल पहले मान के चलो 2022 में, ठीक है ना, 2022 में कोई भी डिसीज हुआ, सपोज दैट डिसीज के नाम पे मैं ऐसा कोई छोटा सा सस्ता डिसीज पकड़ लेता हूँ, ऐसा मान लो टाइफाइड हो गया किसी को। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, ठीक है ना। अब ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने रेसिस्ट किया होगा, जब बैक्टीरिया खत्म हुआ रेसिस्ट करते करते, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस हमने डेवलप कर लिया होगा। अब क्या है, हमारा टाइफाइड सही हो गया तो हमेशा रेसिस्टेंस तो नहीं रहता है, रेसिस्टेंस खत्म हो गया, लेकिन टी सेल्स को वो याद है कि जब इस प्रकार का अटैक होता है तो उसको बचाने के लिए किस प्रकार का रेसिस्टेंस दिया जाता है, ये सब याद कौन रखता है, टी सेल्स। अब ये जो HIV वायरस है वो क्या करता है, टी सेल्स को ही खाना शुरू कर देता है। जब ये टी सेल्स को खाने लगेगा तो जो हमारी मेमोरी थी अलग डिसीज को, मतलब जितनी भी डिसीज हमें हुई थी उनको रेसिस्ट करने की जो हमारी मतलब प्रीवियस नॉलेज थी या जो हमारी मेमोरी थी वो सब खत्म हो गई। अब तो कोई टुच्ची सी आके बीमारी हम पे अटैक करेगी, हम उससे प्रिवेंट ही नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस की जो हमें नॉलेज थी, जो उसके साथ अगेंस्ट रेसिस्टेंस करना था, वो हमारा रेसिस्टेंस खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि हमें अब पता ही नहीं है इसको कैसे प्रिवेंट करना था, समझ गए ना, क्योंकि टी सेल खत्म हो गए। तो टी सेल खत्म कौन कर रहा है, HIV। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी डिसीज अटैक कर देती है बॉडी पे और इसके चलते आदमी मर जाता है। एड्स से नहीं मरा, अदर कोई ना कोई बीमारी से मर जाएगा, TB हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कोई और अलग जात की बीमारी हो जाएगी, और ये बीमारी हो क्यों रही है, क्योंकि वो टी सेल को खत्म। तो हमने पूरा एड्स कवर कर लिया, एड्स HIV से होता है, सलाइवा या ब्लड के हिसाब से। अभी मेरे को ये मत बोलना प्लीज़ कि एड्स का फुल फॉर्म भी बोलने का है, ठीक है, इतना तो मैं जानता हूँ कि आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आगे लिखा हुआ पढ़ लेना, ठीक है ना। तो सिम्टम्स हमने देखे और किससे फैलता है किससे नहीं फैलता है, हमने ये भी देखा कि ब्लड ब्लड में RBC, WBC, WBC का एक पार्ट लिम्फोसाइट और टी सेल, उसका वर्क क्या है और क्यों ही लोग मरते हैं, तो वो भी हमने पूरा समझ लिया। आओ अब जल्दी से देखते हैं, वो नंबर घट रहे हैं हमने पता कर लिया, कुछ डाटा है इसे हम यूज कर सकते हैं, यदि कभी कोई एड्स रिलेटेड या फिर कोई ऐसी डिसीज रिलेटेड बात आती है तो वैसे डाटा भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम याद कर सकते हैं। 24 लाख नंबर ऑफ पीपल लिविंग विथ HIV इन इंडिया। इंडिया में लगभग 24 लाख लोग हैं जो रह रहे हैं HIV के साथ में, मतलब HIV है उनको। 46.3 डिक्लाइन एनुअल इन्फेक्शन, अभी 46% एनुअल इन्फेक्शन डिक्रीज हो गया है, मतलब लोग पहले 100 होते थे जहाँ पे हर साल एड्स से ग्रसित, उधर वो अब 54 या फिर 53 हो रहे हैं, क्योंकि 40 लोग अब नहीं हो रहे हैं, या तो वो अवेयर हो गए हैं या फिर वो कह रहे हैं प्रोटेक्ट मतलब जो भी है उसके प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई समस्या तो हो रही होगी जिसको सॉल्व कर रहे हैं वो। 76.5% डिक्लाइन एड्स रिलेटेड टू डेथ, अभी डेथ भी बहुत कम हो गई है, लगभग 76% या 76.5% डेथ को कम कर दिया गया, मतलब कम लोग मर रहे हैं, 100 में से केवल 25-24 लोग ही एक्सपायर हो रहे हैं, मतलब डेथ हो रहे हैं उनका,
और बाकी लोग बच जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत डेटा आपको याद रखना है कि काफ़ी अच्छा हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो ये डेटा दिया किसने, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV। और अभी क्या है, इसको बचाने के लिए जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये याद रखना है। मेरे को याद है इसलिए क्योंकि सरकार ये फ्री देती है, जितने लोगों को भी एड्स है ना उन लोगों को ये थेरेपी फ्री दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सरकार ने किया हुआ है तो ध्यान रखना है। ग्लोबली इन 2022 अबाउट 9.2 मिलियन पीपल्स लिविंग विद HIV पर नॉट रिसीविंग HIV ट्रीटमेंट। लगभग 9 से 10 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जो HIV से ग्रसित हैं, HIV उनको हो रखा है और उन लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला है। वो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स में कह दिया गया है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सबको फ्री में मिल रहा है। हाउ इंडिया रेस्पॉन्स, अभी इंडिया कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, कंटिन्यू ऑफ नेशनल एड्स STD कंट्रोल प्रोग्राम, वो बहुत अवेयर कर रहा है लोगों को कि एड्स से कैसे बचें और जो STD है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, उनसे कैसे प्रिवेंट करा जाए, वो किस टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। HIV एड्स प्रिवेंशन कोड कंट्रोल, ठीक है ना, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 बनाया गया था, जिसमें कि अभी मान के चलो कोई इन्फेक्टेड है, ठीक है ना, या फिर कोई इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है जहाँ पे, या मोस्टली प्रेस्टिट्यूट जो रहती हैं, कभी कभी मैं ऐसा मतलब पर्टिकुलर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ तो दिल पे नहीं लेने का, तो उनके एरिया में क्या होता है ना, वहाँ ज़्यादा ही मतलब इन्फेक्शन एरिया रहता है, कभी कभी तो वो पूरा कॉरिडोर जो भी रहता है इन्फेक्टेड हो जाता है, ऐसे कुछ मैंने एग्जाम्पल सुने। तो इसके लिए इन्होंने एक्ट बनाया हुआ था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो नाको है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये इजी है और मेरे को भी याद रहती है तो शायद तुम्हें भी याद रहेगी, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है ना। ये भी एड्स को कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाती है। इन्होंने अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो अपना है ना, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट फ्री लाइफ, पूरी लाइफ मतलब पूरी ज़िंदगी भर क्या करती है, एंटी जो रेट्रोवायरल जो भी मेडिसन रहती हैं या थेरेपी रहती हैं फ्री में देती है, तो फ्री में दवा दारू मिलता है एड्स वाले लोगों को, ऐसा सरकार कहती है। अब मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो मेरे को नहीं पता। नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान 2017 मिशन संपर्क, ये चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए कैसे भी। तो ध्यान रखना एड्स में क्या, हमने पढ़ा कि एड्स सबसे पहले एड्स क्या है, सेकंड हमने पढ़ा व्हाट इज एड्स, ठीक है ना, सेकंड हमने पढ़ा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, थर्ड हमने पढ़ा हाउ ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर होता है, फोर्थ हमने पढ़ा कैसे इम्पैक्ट डालता है बॉडी पे, डेथ क्यों होता है, ठीक है ना। फिर हम पढ़ रहे हैं कुछ करेंट अफेयर्स, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि ये कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, हमने काफ़ी देखा कि इंडिया में 24 लाख लोग हैं जो ग्रसित हैं, लगभग 46% लोगों में कम इन्फेक्शन हुआ है एनुअली, और लगभग 76% लोग हैं जो डेथ डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना, ये भी हमने आपको समझाया। इसमें एक कीवर्ड है जो मैंने बार बार आपको दिखाया, एंटी सॉरी एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी और उनसे मेडिसिन जो रिलेटेड किससे होती है, एड्स से। तो ग्लोबली इतने लोग पीड़ित हैं, उनको कुछ दवाई दूरी नहीं मिली है, इंडिया ने कुछ अच्छे से बात की है, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी सबसे ज़्यादा किन स्टेट्स में कमी आई है एड्स को लेकर, और सबसे ज़्यादा अभी भी कहाँ पे एड्स के पेशेंट्स होते हैं। देखो जो एड्स है ना, मेनली इसका जो स्प्रेडिंग का मतलब एरिया है ना वो है सेक्स मेनली। अभी क्या है ना, किसी को टच करने से तो ये होता नहीं है, मेनली कुछ और भी इंसिडेंट से हो जाता है, जैसे एक महालक्ष्मी करके कुछ ऐसा पता नहीं साउथ का मूवी था, जिसमें एक लड़की रहती है उसको किसी साइकिल पे गिर जाती है और वहाँ पे कुछ होता है, मतलब मेरे को एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आता, तो उससे एड्स हो जाता है और जिसके चक्कर में क्या होता है, पूरी सोसाइटी उसे निकाल देती है कि इसको एड्स है, मतलब इसने कुछ गंदा काम किया होगा, मतलब वो सेक्स इसलिए हो गया। तो मेनली जो है ना हमारे यहाँ टैबू बना हुआ है, या फिर हम अच्छी मान लें प्रियोडाइसिस, कि सेक्स से होता है नो डाउट, या 70% केसेस सेक्स से आते हैं, लेकिन फिर अदर भी केसेस हो सकते हैं, तो हर एक को ऐसे मत सोचो कि वो किसी को एड्स हो गया तो उसने सेक्स ही किया होगा, ठीक है ना। तो सेक्स से ज़्यादातर चांस है मेनली, ठीक है ना, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। तो टॉप स्टेट विद मोस्ट रैपिड डिक्लाइन, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में, मतलब TT and HP। तो TT कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और एड्स बहुत कम हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, वहाँ पे काफ़ी रैपिड डिक्लाइन हो गया। अभी हाईएस्ट अडल्ट HIV प्रेवलेंस कहाँ है, देखो
ये सबसे ज्यादा है मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर। जो ये MMN है ना, मान के चलो आप जैसे ही देखोगे ना, नॉर्थ साउथ का ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आप आओगे तो नागालैंड, ठीक है ना, मिजोरम, ये मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। तो ये जो आपके तीन हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इधर सबसे ज्यादा है। ये उधर म्यांमार से टच करती है इनकी बाउंड्री, तो अभी ये नहीं कहेंगे कि वो म्यांमार वाले लोग आके कर जाते, मतलब इन लोग इधर साइड थोड़ा सा ज़्यादा है। मे बी कुछ उनके पर्टिकुलर रीजनल कुछ चीज़ें रही होंगी, क्लाइमेट रहा होगा, ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्टली कि वो जैसे टैबू बना के रखा है, मतलब टैबू तो नहीं कहोगे, प्रीजुडाइसिस के सेक्स हुआ है। अभी साउथर्न स्टेट आंध्रा तेलंगाना और कर्नाटका में भी काफ़ी अच्छी लेवल पे एड्स होता है, तो ध्यान रखना है एड्स किधर किधर फैलता है, आपको बराबर पता रहना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको नॉलेज होती है। अभी रिकमेंडेशन फॉर क्विक प्रोग्रेस टुवार्ड द एंडिंग द एड्स, तो रिकमेंडेशन क्या दोगे, अपना बी फॉरवर्ड वाला स्क्रीन शॉट निकाल के रख लो, तो स्क्रीन शॉट में आपको स्पेशली दिया होगा कि फंडिंग बढ़ा दो, तो ये फंडिंग बढ़ा दी, अप्रोच करो, मतलब कोलाबोरेशन करो, पीपल टू पीपल अप्रोच करो, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दो आपस में, अफोर्डेबल एंड असेसबल एसेंशियल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, सबको दवाई मिलनी चाहिए, दवाई दारू मिलेगी तो आदमी फिर जल्दी सही हो जाएगा। अबाउट HIV, तो ये सब इन्होंने बताया है, वो मैं पहले ही तुम्हें पढ़ा दिया कि क्यों होता है, कैसे होता है, इन्होंने लिख के बताया था, थोड़ा सा मेरे को वो ईजी लगता है, इतना छोटा छोटा शब्द में लिख के पढ़ना काफ़ी टफ होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है नन शुगर स्वीटनर्स, अब ये जो नन शुगर स्वीटनर्स होते हैं इनके बारे में एक पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, क्या ये मेंस में आएगा, आंसर है नहीं, क्या ये PT में आएगा, आंसर है हाँ, यदि कोई कीवर्ड मिल जाता है, क्योंकि वो केवल और केवल, अब तक हमने हर बार आपको PYQ दिखा के यही समझाता हूँ कि क्वेश्चन को ऐसे देखो कि वो किसी टॉपिक से कितना माल आपको पढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना माल पढ़वाने की कोशिश कर रहा है आपसे, वो आपको PYQ से पता चलेगा, तो कोई आपको फैक्ट आपको याद नहीं रखना, लेकिन कोई कीवर्ड अच्छा आ जाए तो वो आपको बराबर याद रखना है, ठीक है ना। WHO ने अभी इंटरनेशनल एजेंसी जो है ना अपनी IARC, उसने कुछ बात बताई जो कि एकदम आंखें खोल देगी आपकी, जो अपने नन शुगर स्वीटनर्स होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं, इधर इन्होंने मेंशन नहीं किया, जो नन शुगर स्वीटनर्स होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं, जिसमें एक बहुत फेमस है आर्टिफिशियल शुगर एस्पार्टम, आप लोग वो क्या कहते हैं 11th और 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ोगे उधर ये सब पढ़ा जाता है, तो एस्पार्टम है ना, जो एस्पार्टम जो आपकी आर्टिफिशियल शुगर है, इससे बताया है इन्होंने कि कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, मतलब कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ये कैंसर का कारण हो सकती है, जो आपकी आर्टिफिशियल शुगर्स हैं वो कैंसर का कारण बन सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, ये 100% नहीं कहा इन्होंने, मेंशन किया हुआ है पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि कैंसर का कारण बनना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो अभी हम इधर में क्या पढ़ने वाले कि जो आर्टिफिशियल शुगर होती है या फिर नन शुगर स्वीटनर, दोनों का मतलब एक ही है, वो क्या होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि IARC क्या है, ठीक है ना। अभी क्या है ना, सबसे पहले देखते हैं IARC क्या है, तो अभी देखा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, कैंसर पे रिसर्च करने के लिए एक एजेंसी है, तो वो है किसके अंडर, तो वो WHO के अंदर है, तो इसी ने ये कुछ बताया कि सॉरी जो स्वीटनर है ना या फिर जो आर्टिफिशियल स्वीट है उससे कैंसर हो सकता है। इन्होंने और क्या बात बताई, इन्होंने बताई IARC इज द कैंसर एजेंसी ऑफ WHO बिलोंगिंग टू द ब्रॉड यूनाइटेड, ये अभी हमने बात किया अभी कि IARC क्या है, WHO के अंडर आती है, इसका धंधा क्या है, रिसर्च करो किस पे, कैंसर पे, कैंसर पे क्या रिसर्च करते हैं कि कारण पता करने चाहिए कि कैंसर के होने के क्या क्या कारण है, ये सारे के सारे कारण अपन को पता होने चाहिए, कॉजेस पता हो, तो IARS नहीं IARC का धंधा हमें पता चल गया कि ये कैंसर पे रिसर्च करता है और कैंसर के कारण जानने की कोशिश करता है। जैसे इन्होंने एक ना टेबल बना के दिया हुआ, मेरे को काफ़ी पसंद आया टेबल ये, मतलब खतरा डिवाइड इन टेबल, जो भी खतरा है हमें वो सब एक टेबल में बताया हुआ है। इन्होंने बताया कि ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, सेकेंड ए, ग्रुप सेकेंड बी और ग्रुप थर्ड। अब ये क्या है, ग्रुप फर्स्ट ना तुमने रेड देखा होगा, ये रेड कलर का हो रहा है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, ये सफिशेंट हैं, इनके पास जो ये रेड बना रखा है ये इन्होंने प्रूफ कर रखा है कि इससे ही कैंसर होता है, तो इसमें क्या क्या सामान आता है, तम्बाकू स्मोकिंग, सोलर रेडिएशन, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल बेवरेज,
ये सब दारू दवा नहीं, दारू और क्या कहते हैं स्मोकिंग करना, जो लोग बीड़ी और क्या कहते हैं सिगरेट पीते हैं, ठीक है ना, सोलर रेडिएशन से भी, इन सब से क्या है ना कैंसर होता है, ये प्रूफ हो चुका है। इसलिए इनको ग्रुप ए में रखा गया और रेड कार्ड कर दिया गया। सेकेंड आशंका है इन्हें, प्रोबली कार्सिनोजेनिक है ये, मतलब आशंका है, हो सकता भी है लेकिन हो भी नहीं सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कह सकते हो लेकिन आशंका है ना, लिमिटेड एविडेंस है तो मतलब कह सकते हो ऐसा 70-80% ये लोग उसे यस कह रहे हैं। एमिशन फ्रॉम हाई टेम्परेट योर फायरिंग डीडीटी, कंजप्शन ऑफ रेड मीट, नाइट शिफ्ट वर्किंग, मतलब जो लोग रात में जगते हैं उनको भी होने के चांसेस हैं, जो लोग रेड मीट खाते हैं उनको भी डीडीटी से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये होने की आशंका है ना, तो इसलिए इन्होंने ग्रुप 2A में रखा हुआ है। 2B ये इनकी पॉसिबिलिटी रह जाती है केवल 20-30% की, इसकी 50% है, इसकी 100% है कि हो ही जाएगा, 50% पॉसिबिलिटी है, इसकी है 20% केवल, 80% नो ही है। तो इसमें क्या है, गैसोलाइन इंजन एग्जॉस्ट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एज ए हेयर ड्रेसर और बार्बर, जो बार्बर रहते हैं हेयर ड्रेसर्स रहते हैं, तो वो जी जो इतने भी ऑक्यूपेशन हैं उनमें क्या है ना, इनको गैसोलाइन मतलब कुछ ऐसी क्रीम्स का यूज किया जाता है, मेरे को वो क्रीम कौन सी पता नहीं, तो इन लोगों को चांसेस रहते हैं कि कैंसर हो सकता है लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं है। ग्रुप थर्ड एकदम मतलब कलर ही अलग है इसका, ये कलर कौन सा होता है ये मेरे को भी नहीं पता मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, नो क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्या कुछ भी करो क्योंकि कोई भी कैंसर होने का कारण नहीं है, कॉफ़ी पीने के पियो दवा के, ठीक है, क्रूड ऑयल खाओ, क्रूड ऑयल खाया नहीं जाता है, मतलब उसका यूज कर सकते हो, मरकरी पैरासीटामोल, इनसे कोई भी प्रूफ नहीं मिले लेकिन लोग शक के दायरे में रखते हैं इसको कि क्रूड ऑयल से कुछ हो सकता है, मरकरी से हो सकता है, पैरासीटामोल खाने से हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी 1% भी एविडेंस नहीं है, इसमें 20% फिर भी था। तो ये इन्होंने IARC ने कुछ हजार्स को क्लासीफाई कर रखा था कि कौन से डेंजरस रहते हैं, तो इधर से इधर लेके जाओगे ना तो आपको पता होगा इधर बहुत हाई रिस्क है, इधर कोई रिस्क है ही नहीं, नो रिस्क, ओके। तो ये सब इन्होंने बांट के रखे हैं, तो हम लोग इसमें दो चीज़ पढ़ने वाले थे, पहला आर्टिफिशियल शुगर, सेकेंड IARAC, तो IARAC हमने कवर कर लिया। IARAC क्या है, एक WHO की ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंसर पे पूरा रिसर्च करता है और कैंसर के कारण जानने का कोशिश करता है, तो इन्होंने कारण और किस चीज़ से हो रहा है वो सब एक टेबल में, अभी इन्होंने बताया कि WHO के साथ क्या किया है, तो वो अपने काम का। अबाउट नन शुगर स्वीटनर, जिन्हें हम आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं, ये क्या है ना, आर्टिफिशियल शुगर क्या होती है, जैसे मान के चलो जो शुगर होती है अपनी वाली शुगर, असली वाली जिसे टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है ना, सुक्रोज बोलते हैं जिसको, सुक्रोज या टेबल शुगर, टेबल शुगर क्यों, वो अपने टेबल पर रखी रहती है इसलिए इसे सुक्रोज भी बोलते हैं। इसमें क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसके चक्कर में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के चक्कर में ये बहुत नुकसानदायक हो जाता है कभी कभी किसी किसी लोगों को, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है और वो कैलोरी कभी 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 जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं ना उनको ये नुकसान कर जाती है। आपने मोस्टली टाइम देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है ना वो शुगर्स नहीं खाते क्योंकि उसको मतलब वो एकदम क्या करेगा, इंसुलिन को एकदम मतलब हाई इंक्रीज कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लो कैलोरी स्वीटनर, इसमें बहुत कैलोरी लो होती है, और जो मैंने बोला ना कि कैलोरी होती नहीं है, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं होती, केवल टेस्ट होता है कि ये मीठे लगेंगे टेस्ट में लेकिन कोई कैलोरी इनमें नहीं होगी, जबकि बाकी जितने भी मिठाइयाँ होती हैं वो सब हाई कैलोरी रखती हैं। तभी तो आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो उसे हम लोग पानी के साथ मिठाई देते हैं, और पंचायत पंचायत में देखा होगा ना जब सचिव जी आते हैं तो वो चार पेठा लेके रखते हैं और उसमें दो तो उप प्रधान और वही खा जाते हैं, फिर वो उसने कि अच्छा दो ही खाए आपने तो वही देखा होगा, तो क्यों देते हैं ये, हम लोग अपने ट्रेडिशन में रखे हुए हैं लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न ये है, साइंस में पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि जब कोई आदमी आता है थक जाता है उसकी कैलोरी बर्न हो जाती है तो उसको मीठा खाता है ना तो कैलोरी आ जाती है, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता है, ओके, इसलिए दिया जाता है, मतलब अपना ट्रेडिशन भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको ये बात समझ में आई गई ट्रेडिशन की, खैर तो ये क्या है, हम समझ गए, जो आर्टिफिशियल स्वीट, जो भी स्वीटनर होते हैं, जो भी स्वीट्स होती हैं उनमें कोई कैलोरी नहीं होती है, मतलब बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती, केवल वो स्वाद में मीठी लगती हैं, हेल्थ पे इनके क्या इफेक्ट हैं,
इनके हेल्थ पे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं। पहला तो हमने देखा ना कि आशंका है ये कैंसर कर सकती है, ठीक है ना। WHO ने कुछ कंडीशनल गाइडलाइन दी थी जिसमें बताया था उसने एस्पार्टम एंड स्टेविया डू नॉट हेल्प इन वेट लूजिंग। अभी कोई आदमी वेट लूज कर रहा है, ठीक है ना, वेट लूज करने वाले को क्या बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप स्वीट्स मत खाओ, ठीक है ना, स्वीट्स मत खाओ, स्वीट से वेट बढ़ रहा है। तो लेकिन लोग स्वीट्स छोड़ देते हैं ओरिजिनल वाली, अपना सुक्रोज खाना, फिर वो सोचते हैं कि नहीं रे, अपन तो आरटीबी से स्वीटनर ले लेगा और बस टेस्टी तो मीठा करना है, स्वीट तो खा ही नहीं रहा, तो मस्त वेट कम हो जाएगा। फिर आपका पेट कम नहीं होगा, आपका पेट बाहर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा और बाहर हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये वेट बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करेंगे वेट लूज करने में, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा, फिर वो आपको पता ही है। कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टू टाइप डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज को भी बढ़ा सकती है, जिनको डायबिटीज नहीं है उनको ये बढ़ा सकती है क्योंकि वो वेट कम करने के चक्कर में खा रहे हैं। लेकिन ये गाइडलाइन जो डायबिटीज वाले लोग हैं उनके लिए लागू नहीं होती। अभी अपने इंडिया में भी FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कुछ देखे थे। इन्होंने बताया कि कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो क्या करते हैं, सैचरिन, सोडियम एस्पार्टेम, एसिड सल्फेट, पोटेशियम सुक्रोज और ये बहुत सारे और हैं, ये इंडिया में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये लोग यूज करने के लिए मना करते हैं मोस्टली WHO वाले, लेकिन ये नहीं कहते कि बिल्कुल मत खाओ, लेकिन इनके मना इसलिए करते हैं कि इससे वेट लूज नहीं होगा। लेकिन इंडिया वालों लोगों ने कुछ ऐसा खास पर्टिकुलर जो FSSAI है उसने बताया नहीं है, तो फिर मैंने देखा देखो इन्होंने इसको कहा है कि मत खाओ वेट लूज करने के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो देख रहे हो विनोद कैसे ये लोग हमें घुमा रहे हैं गुल गुल। अभी हमने पढ़ लिया ऐसे हमें पता चल गया तो हम नहीं खाएंगे, अदरवाइज हम खाते रहते, हमें तो बताया नहीं FSSAI ने, FSSAI ने। अब ये कितने जात के होते हैं जो अपने आरटीपीसी स्वीटनर होते हैं, तो बहुत सारे लिखे हैं। एस्पार्टेम है जो हम लोग पढ़ चुके थे, 2 अमीनो एसिड से बनता है, ये कहाँ यूज हो सकता है, मल्टी फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स में, जैसे आपने देखा होगा ना सीरियल्स आते हैं टूथपेस्ट में, जो अपना मेडिकेशन है कफ सिरप में, च्यूबल जो भी विटामिन होते हैं इन सब में इसका यूज किया जाता है। कफ सिरप मीठी लगती है ना, इसीलिए लगती है, एस्पार्टेम की वजह से लगती है। टूथपेस्ट कुछ ऐसे लगते हैं मीठे जैसे, ठीक है ना, बाबा रामदेव का मीठा नहीं लगता है मेरे हिसाब से, वो लोग यूज नहीं करते होंगे ऐसे एस्पार्टेम को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सब जगह एस्पार्टेम यूज होता है। ये मैं सारे क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसके पीछे एक आंसर है कि सारे हमारे काम के नहीं है, कुछ जो अलग जात का है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। नियोटेम ये हीट स्टेबल है, नियोटेम इसलिए पढ़ने, हीट स्टेबल का मतलब होता है कि आप इसे हाई टेम्परेचर पे भी, मतलब कोई बहुत ही हाई टेम्परेचर है उस पर भी इसे रखोगे ना तो भी ये क्या कहते हैं जो भी है ये स्टेबल बना रहेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई जो मतलब जैसे मान के चलो कोई बहुत ही जिसको हाई हीट पे पकाया जाता है और उसमें मिठाई की ज़रूरत हो तो वहाँ नियोटेम यूज कर सकते हैं। सुक्रालोज ये 0 कैलोरी आरटीबीसी स्वीटनर है, ठीक है ना, हीट स्टेबल ये भी है। एडवांटेम, ठीक है ना, जो एडवांटेम है ना ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 टाइम स्वीटर होता है अपनी टेबल शुगर से, सुक्रोज मतलब बहुत मीठा होता है, इसे तो थोड़ा डालोगे एक बूंद या फिर एक टुकड़ा तो उसके बाद ये बहुत मीठा कर देगा। ऐसी सचारिन है, ठीक है ना, ऐसे ही थाउमैटिन है जो क्या कहते हैं पोटैटो बेस एंड सिमिलर स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट बनते हैं ना उनमें डाला जाता है, जेम्स में डाला जाता है, आइसक्रीम में डाला जाता है, बेकरी के आइटम्स में डाला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है थाउमार्टिन, थाउमार्टिन, एडवांटेम और आपको एस्पार्टेम, ये तीन चार को याद रखना है। ओके, तो इसमें कुछ खास था नहीं, जो मोस्टली एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था कि जो अपना IARC है ना इसने बताया कि वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनसे कैंसर हो सकता है, आशंका जताई है, हो सकता है कि नहीं हो सकता ये प्रूफ नहीं कर पाया। तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, हमने पढ़ लिया स्वीटनर्स भी और हमने IARC भी पढ़ ली। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अभी इसके शॉर्ट्स वीडियो पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें अपना ये वीडियो, और जय हिंद जय भारत।